बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्वेइंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। तो आज मैं आपको बताऊंगा ड्रा रोड क्रॉस सेक्शन विद कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड एन एस एल डेटा। तो ये पूरी शीट बनी हुई है मेरे पास, ये आप देख रहे हैं कि ये एन एस एल जेड डेटा है हमारे पास, जो सी एस वी फाइल या टोट स्टेशन की जो फाइल होती है उसके हिसाब से ये डेटा आपने इधर इनपुट करना है। उसके बाद ये प्लॉट टू कैड आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके अंदर इनपुट डिज़ाइन कोऑर्डिनेट्स डेटा है, आपने ये कोऑर्डिनेट्स कैसे इनपुट करना है, कैसे बनाना है प्लान प्रोफाइल के हिसाब से, वो भी मैं आपको इसके अंदर पूरी डिटेल के साथ बनाऊंगा। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन वाली की है सेंटर लाइंस, ये आपको बताएगी कि आपकी आर डीज का डिस्टेंस कितना आएगा उस डेटे के हिसाब से, और आपके पास टोटल जो क्रॉस सेक्शन बनते हैं वो कितने, 58 क्रॉस सेक्शन है, 59 है, 100 है, जितने भी हैं उसकी टोटल क्वान्टिटी भी आपको इधर बताएगा। तो बहुत यूज़फुल वीडियो है, शुरू से एंड तक जरूर मेरी वीडियो को देखिएगा। इसके साथ ये कैलकुलेशन शीट आएगी, इसके अंदर पूरी वर्किंग मैंने इसको आपको बताई है करके, पूरे क्रॉस सेक्शन ये मैंने 3 किलोमीटर के इस वीडियो के अंदर, 1.5 घंटे की वीडियो है, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये डेटा को आप कैसे इसके अंदर इनपुट करेंगे, इस ये फॉर ये डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एलिवेशन को आपने कैसे लेकर आना है क्रॉस सेक्शन के लिए। उसके बाद आपने जो क्रॉस सेक्शन के ऊपर लाइन ड्रा करनी है और जो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर लाइन ड्रा करनी है वो आपने कैसे करनी है। इसके बाद ये हमारे पास डिज़ाइन सेक्शन आएगा, जिसके अंदर ये आपको टॉप पॉइंट भी इधर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देगा, और सारा जस्ट आपने एक दफ़ा इस लेवल को इधर आपने बना देना है, इस सेगमेंट को, और इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे आपने करना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी। इसी तरीके से ये पूरा डिज़ाइन सेक्शन मैंने आपको इस शीट के अंदर मैंने आपको बताया बना के, आप मेरी वीडियो को देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर बहुत यूज़फुल वीडियो है आपकी, ये एक बहुत ही आपके लिए, आपके जो प्रोजेक्ट्स या आपकी जो फील्ड है, सर्वे फील्ड या इंजीनियरिंग फील्ड, ऑटोकैड ऑपरेटर हैं जो भी हैं, तो ये हर बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक्स वाई जेड डेटे के हिसाब से आपने क्रॉस सेक्शन को पढ़ना कैसे, और उसको आपने ड्रा कैसे करना है ऑटोकैड के अंदर, उसको कैसे बनाना है आपने, ये प्लान्स वगैरह जो हैं ये इसके अंदर मैंने आपको ये प्लान बनाना भी बताया है, इसके अंदर ये प्लाट्स ऑटोकैड के जो है वो भी बताए हैं आपको, और इसके अंदर जो लाइंस आपकी लगेंगी वो भी मैंने आपको बताई है। इसी तरीके से जो क्रॉस सेक्शन जो हमने बनाने हैं उसका फॉर्मेट भी मैंने आपको बताया कि आप उसको कैसे बनाएंगे और क्या इसका तरीक़ाकार है। तो इस मेरी वीडियो को आपने एंड तक देखना ज़रूर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा। ये डिज़ाइन डेटे के ऊपर मैंने थोड़ी सी बात की है, इस डेटे को आपने कैसे लेकर आना है, इस वीडियो का लिंक भी एक्स वाई जेड डेटा का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा, आप उस वीडियो को देख के उसको अंदर भी आप ये डेटा शीट उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए आपको एक्स वाई जेड फॉर्मेट के अंदर भी आपको सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको रोड का टिपिकल सेक्शन जो आपने बनाना है उसकी ड्राइंग आपके पास होनी चाहिए। सेकंड नंबर के ऊपर आपके पास इनकी प्लान्स एंड प्रोफाइल्स, जिसके ऊपर ये हमारा सारा डेटा इधर प्लॉट होएगा। प्लान हमारे को लिए इसलिए चाहिए होएगा, ये हार्ट शेप के अंदर चाहिए होगा कि जब हमने से कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने हैं तो उसकी 90 वगैरह और उनके पॉइंट्स वगैरह को देख सके। प्रोफाइल हमें क्रॉस सेक्शन के टॉप लेवल्स के लिए चाहिए होगी। इसी तरीके से जितनी भी आपकी प्लान प्रोफाइल की शीट है ये सारी आपको चाहिए होंगी। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने ये प्लान को कैसे सिंपल वे के ज़रिए कैसे बना लेना है। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर ऑटोकैड के लिए हमें इसकी लिप्स कमांड चाहिए होंगी, एरिया की कमांड चाहिए होगी, कोऑर्डिनेट्स जो डिस्टेंस है एरो के साथ आता है, सीडी एरो लग के एलिवेशन डिस्टेंस, और नीचे पीआरएल जो अगर हम नीचे उसको कॉलम्स की शेप में बनाते हैं तो ये रोज़ की शेप में, तो नीचे उसके एलिवेशन वगैरह आ जाए, तो ये तीन चीज़ें हमें उसके लिए चाहिए होंगी। तो अभी ये क्रॉस सेक्शन कोऑर्डिनेट्स वाला जो फॉर्मेट है इसको मैं इधर से ओपन कर लेता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि इधर एन एस एल फॉर्मेट टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है हमारे पास, जो टोट स्टेशन की फाइल होती है जो कि हम पढ़ के साइड के ऊपर से लेकर आते हैं। उसके अंदर अगर हमने एक्स वाई जेड पढ़ा हुआ है, उसके डिस्क्रिप्शंस वगैरह सारे लगे हुए हैं राइट लेफ्ट साइड के जो भी चीज़ें, तो उसके लिए हमें ये टेक्स्ट फाइल हमें चाहिए होती है उसकी, या डेटा आपके पास पढ़ा हुआ एक्सेल के अंदर तो वो भी चलेगा। तो आपने सबसे पहले जो ये टेक्स्ट फाइल आ रही है आपने उसको जैसे कंट्रोल ए करके, आपने जैसे कंट्रोल ए करना है, राइट क्लिक करना है और उस डेटे को आपने जैसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने एक्सेल के ऊपर आ जाना है, ये शीट टू इधर से मैंने ओपन की हुई है, इधर से मैं इसको थोड़ा सा क्लोज़ करता हूँ, इधर मैं खोलूँगा इसको शीट थ्री के साथ। तो ये इधर आपने आके इसके अंदर आपने एक अलहदा शीट के ऊपर आपने इसको इधर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये डेटा आप देखेंगे कि सारा आपके पास जॉइंट शक्ल में है, कॉमा डेलिमिटेड फाइल है ये पूरी, तो ये हमारे पास सारे जॉइंट हैं और इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे प्रोग्राम है, सारे डेटा है हमारे पास पूरा,
प्रोजेक्ट के जितने भी NSL के डेटे हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड कंप्लीट डेटा, ये सारा तकरीबन इसमें 1400-1500 पॉइंट हैं और ये 2.5 से 3 किलोमीटर कि ये इसकी लेंथ बनती है। तो आपने सबसे पहले ये कॉलम ए को जिस तरह आपने पेस्ट किया, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इधर से डेटा के टैब के अंदर आ जाना है, एक्सेल के अंदर डेटा टैब के अंदर आना है। इधर से कॉलम टू टेक्स्ट आपने क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना है। इधर से आप ये देख रहे हैं, इधर से आपने कॉमा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके सारे नीचे कॉलम्स की शेप में आ जाएंगे। आपने इधर से देख लेना है कि अगर कोई फिगर आपका मिस हो रहा है तो आप इस लाइन को आगे पीछे इधर से कर सकते हैं। उसके बाद आपने इधर से नेक्स्ट कर देना है, उसको जस्ट फिनिश कर देना है। फिनिश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ऊपर हमारे पास इधर पॉइंट नंबर आ गया है, इसकी ईस्टिंग आ गई है, नॉर्थिंग आ गई है, एलिवेशन और साथ इसके डिस्क्रिप्शन जो राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर जो भी डेटा हमारे पास बना हुआ था। तो आपने इस फाइल को इधर से सिलेक्ट कर लेना है, एंड तक जितने भी आपके पास ये जा रहे हैं सारे फाइल्स को आपने इधर से माउस की मदद से नीचे तक आना है और इधर से आपने इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके और इधर से आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने कैलकुलेशन शीट के ऊपर आ जाना है, सबसे पहली शीट। तो इसके अंदर आप ये देख रहे हैं NSL कोऑर्डिनेट्स इनपुट है, डेटा फ्रॉम PNEZ फाइल जो हमारे पास है उधर से। तो ये हमने शीट को एक्सेल के फॉर्मेट के अंदर ले आए थे, इसको हमने कॉपी किया हुआ। तो आपने जस्ट इधर पॉइंट नंबर के ऊपर आ जाना है। आपने इसी से ख्याल रखना है कि इधर आपके पास पहला पॉइंट नंबर होना चाहिए, दूसरे नंबर के ऊपर इधर आपके पास ईस्टिंग की वैल्यू होनी चाहिए, उसके बाद नॉर्थिंग है, एलिवेशन है और डिस्क्रिप्शन है। अगर आपकी नॉर्थिंग की वैल्यू पहले तो आपने इधर से इसको कट करके और चेंज कर देना है, पहले ईस्टिंग की वैल्यू लिया नहीं है उसके बाद नॉर्थिंग की वैल्यू। तो आपने इसी से ख्याल रखना है, पहले नंबर पर आपकी ईस्टिंग की वैल्यू होगी, फिर नॉर्थिंग की, फिर एलिवेशन और फिर डिस्क्रिप्शन। तो ये आपने चीज़ें इधर से कर लेनी है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा CSV फाइल के अंदर डेटा ज़्यादा आएगा तो आपके पास जो एक्स्ट्रा डेटा होएगा उसको आपने इधर से ख़त्म कर देना है। आपने सिर्फ ये चार आइटम्स आपने कॉपी करने हैं, पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन। कॉपी करने के बाद आपने जस्ट इधर आना है और इधर राइट क्लिक करना है और पेस्ट एज ए वैल्यू कर देना है। आपने इधर वैल्यू के अंदर आके पेस्ट कर दें। आप पेस्ट करेंगे तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स आपके इधर लग जाएंगे, जो भी डेटा जितना भी होएगा सारा आपके सामने इधर, ये डेटा आपके सामने इधर आ जाएगा। तो अभी आप इसके बाद इन पॉइंट्स को हमने ऑटोकैड के ऊपर प्लॉट करना है और उसको चेक करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास ये जो मैंने आपको बताया था, हमारे पास जो ऊपर प्लान होना चाहिए, ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेटेड प्लान है ये आप देख रही है, लाजमी हमारे पास होना चाहिए ताकि हमें इधर से पता चल जाएगा इसकी सेंटर लाइन किधर जा रही है, लेफ्ट साइड राइट साइड किधर जा रही है। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स इसका सॉफ्ट कॉपी है फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने उसको बनाना है। इसमें कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जस्ट हमने एक सिंपल सा एक प्लान बनाना होता है। ये डेटा हमारे पास इधर दिया गया है, तो डेटे ये इस डेटे की मदद से आपने इसके कोऑर्डिनेट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इससे पहले XYZ डेटा की मैं बना चुका हूँ, जिसके अंदर आपके पास दोनों डेटे आ जाएंगे, ऊपर आपके पास ऊपर प्लान और नीचे प्रोफाइल के जो एलिवेशंस होंगे वो सारे के सारे उसके अंदर हम बना सकते हैं। तो ये मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, NEZ डेटा कैलकुलेशन शीट विद सर्कुलर कर्व एंड वर्टिकल कर्व्स। इसमें आप 10 कर्व्स का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिंपल कर्व्स का डेटा दे सकते थे, राइट और लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट्स आप कैलकुलेट कर सकते थे, नीचे आपके XYZ तीनों चीज़ें इधर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जानी थी। इस मुताबिक मैंने पूरी डिटेल वीडियो इधर बनाई हुई है, आप इसके अंदर NEZ डेटा के ऊपर जाके और इधर से मेरे चैनल के ऊपर जाके ये शीट को आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं और शीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आपने इधर से इस शीट को ओपन कर लेना है, इस वीडियो को देख के आप डाउनलोड कर लें। तो आपने इधर से XYZ जो डेटा है वो आप इधर से बना सकते हैं। इसमें BOP स्टेशन मैंने इधर एंटर किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं 00, उसकी ईस्टिंग और नॉर्थिंग की वैल्यू पहले दी गई है। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल कर्व 1 इसका डेटा है हमारे पास और साथ हमने इसका रेडियस पॉइंट इधर इनपुट किया हुआ है। और तीसरे नंबर के ऊपर मैंने ये तीसरी जो कर्व थी इसका डेटा मैंने इधर इनपुट कर दिया है, उसका रेडियस दे दिया है, ये वाला रेडियस जो आ रहा था हमारे पास 500 का। और उसके बाद नेक्स्ट शीट के ऊपर आते हैं तो EOP स्टेशन ये लास्ट के ऊपर इधर मैंने इसके ऊपर इंटर कर दिया था। तो ये हमने तीन डेटा देना है, तो इधर से नीचे हमारे पास उसकी सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपने इधर हॉरिजॉन्टल कर्व का भी डेटा दे देना है इस प्रोग्राम के अंदर, और नीचे इसका वर्टिकल कर्व का जो डेटा आ रहा है वो भी आपने इस साइड वाला जो कॉलम आपके पास जा रहा है, ये शीट में आपको दिखाता हूँ इधर, तो ये जो कॉलम जा रहा है इसके अंदर आपने हॉरिजॉन्टल कर्व का भी बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, कर्व 1, कर्व 2, कर्व 3 जितनी भी कर्व्स हैं और EOP एंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट
ये आपने इसके अंदर इधर इनपुट कर देना है। इनपुट ये आप डेटा करेंगे इस प्लान प्रोफाइल के हिसाब से, ये एक्सेल का डेटा, तो आपके सामने उसी आरडीज के ऊपर जो भी आरडी आप देंगे प्लान की, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड, डिज़ाइन लेवल जो होगा वो इस शीट के ऊपर इधर आ जाएगा। तो अगर आपने ये मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप ये मेरी वीडियो ज़रूर देखें और इधर से इसको आप इस शीट को डाउनलोड कर लें। तो ये आप ये डेटा इधर देंगे तो ये आपके सामने नीचे इधर सारे कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर देगा। इधर स्टेशन इंटरवल है, मैं जैसे उसको 50 कर देता हूँ, 50 करूँगा तो ये मेरे पास 50 मीटर्स के ऊपर सारे पॉइंट्स इधर ड्रा हो जाएंगे इसके। तो उसके अंदर आपके पास दूसरा ऑप्शन था ये प्लाट टू ऑटो कैड, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटो कैड के अंदर भी ये जो आपका प्लान होएगा उसको ऑटोमेटिकली इधर से प्लाट कर देगा। जो जो सा ऑफसेट या आपको येलो लाइन जो नज़र आ रही है, ये इधर मैंने इसका ऑफसेट दिया हुआ है, इसका जो हमारे पास ऑफसेट है ये राइट और लेफ्ट साइड का। तो आपने इधर टिपिकल सेक्शन के ऊपर आ जाना है, इधर से सबसे पहले तो आपने इधर से अपना जो राइट और लेफ्ट साइड का मोस्ट एज पॉइंट है वो आपने इधर इसके अंदर दे देना है। तो ये 15 मेरे पास इधर सेंटर से लेके सेंटर तक का कोऑर्डिनेट्स है दोनों साइडों का 15.150, ये आपको नज़र आ रहा है, ये आप देख रहे हैं सेंटर लाइन से लेके और बिल्कुल आउट एज पॉइंट तक 15.150 है। तो आपने इधर से इसके अंदर लेफ्ट साइड के ऊपर -15.150 और राइट साइड के ऊपर 15.150 का डेटा आपने इनपुट कर देना है। तो आप देखेंगे कि यह ऑटो कैड के अंदर ये मैपा ड्रा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसको मैं इधर से बंद कर देता हूँ, दोबारा मैं उस बटन को इधर से क्लिक करूँगा, डेटे को मैंने ये इधर से कोऑर्डिनेट्स उसके चेंज कर दिए और आगे इसका मैंने ऑफसेट भी इधर से चेंज कर दिया। तो प्लाट टू ऑटो कैड, ऑटो कैड करोगे तो ये मेरे पास ऑटो कैड के अंदर एग्जैक्ट डेटा अभी मेरा ऑफसेट उन्हीं ऑफसेट्स के ऊपर ये मेरा प्लाट हो गया है। जैसे आप ये देख सकते हैं तो ये 15.1 का ऑफसेट इसके अंदर लगा हुआ है। तो आपने सबसे पहले ये प्लान इसी तरीके से बना लेना है। अपना प्लान बनाने के बाद आप इस डेटे को, ये जो नीचे डेटा आया है इसमें आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास एंड स्टेशन था प्रोफाइल का 3+136 और इसी तरीके से जो हमारे पास प्लान आ रहा था उसका भी 3+136 का डेटा आ रहा है। तो आपने जैसे ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन को कॉपी करना है, जैसे जितना तक आपके पास ये जा रहे हैं तो ये भी आप ये देख सकते हैं 3+100 तक जा रहा है। तो ये हमने 50 मीटर का इंटरवल दिया हुआ है तो हमें लास्ट कोऑर्डिनेट ये नहीं आएगा, तो उसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। आपने इधर से इसको कॉपी कर लेना है इस कोऑर्डिनेट्स को, ये जो आ रहे हैं। तो अब उसके बाद आपने इधर से अपने क्रॉस सेक्शन वाली फाइल के ऊपर इधर आ जाना है। इधर आप ये देख रहे हैं कि सेकेंड नंबर के ऊपर ये हमारे पास था, हमने इधर डेटा इनपुट किया था अपना NSL का। तो ये हमारे पास डिज़ाइन का था इनपुट, डिज़ाइन कोऑर्डिनेट्स डेटा, जो डिज़ाइन कोऑर्डिनेट्स डेटा था। तो आपने इधर से इसके ऊपर, इस प्लान के ऊपर से मैं ये दोबारा ख़त्म कर देता हूँ और आपने इधर आना है। इधर से आपने इसकी आरडीज को ख़त्म नहीं करना, आपने ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन वाले टेबल को इधर से ख़त्म करना है। इधर से ख़त्म करने के बाद आपने इधर से राइट क्लिक करना है और पेस्ट एज ए वैल्यू कर देना है। इधर से मैं दोबारा उसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा इधर आ जाना है और जस्ट इसके सामने आरडी के सामने आपने पेस्ट एज ए वैल्यू कर देना है। आप वैल्यू करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स आपके सामने इधर आ जाएंगे। ये अगर एलिवेशंस के अंदर अगर आपके पास किसी जगह के ऊपर कोई वो एरर वगैरह दे रहा है आपको फार्मूले का, तो आप इसको वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट कर दें, क्योंकि वो काफ़ी हैवी प्रोग्राम था हमारा। तो आपने इधर से इसी तरह उसको सिलेक्ट करना है और इधर से इस पॉइंट को क्लिक करके कन्वर्ट टू नंबर कर देना है। तो ये हमें तो इधर एलिवेशन इसके सिर्फ चाहिए। तो ये हमारे पास इसी तरीके से NEZ आपका जो भी कोऑर्डिनेट्स का जो डेटा होगा सेंटर लाइन का, वो इधर प्लाट हो जाएगा, जिसके अंदर आपका डिज़ाइन लेवल भी इधर आ जाएगा और उसके कोऑर्डिनेट्स भी। उसके बाद ये इसकी आईडीज इधर मैंने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट की हुई है, इसके हिसाब से इसको आपने इधर रहने देना है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इस जो जिसका कलर चेंज हुआ होगा वो उस फिगर के अंदर आपने कोई चीज़ भी इनपुट नहीं करनी। इधर से मैं इसका कोई कलर रख देता हूँ और इधर से मैं इसका टेक्स्ट साइज भी चेंज कर दूंगा, तो ये मेरे पास आरडीज आ जाएंगी। इधर इसको आपने छेड़ना नहीं है और इधर आपने अपना पूरा ये जो प्लान आपके पास जा रहा है आपने इधर पेस्ट कर देना है। इसके बाद इसी तरीके से आरडीज को एंड तक कर दूंगा, ये आप देखेंगे मेरे पास 3+100 तक की ये इधर आरडीज आ गई हैं उसका, और इसका प्लान भी इधर ड्रा हो। ये डेटा जो एक्स वाई जेड डेटा, जो सेंटर लाइन का डेटा है, ये इसलिए हमारे पास इधर ज़रूरी है कि जब हमने इधर से सेंटर लाइन के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे उसके साथ हमने इसको मैच करना है। ये जो हमारा डिज़ाइन कोऑर्डिनेट्स होएगा, ये सेंटर लाइन, इस सेंटर लाइन के साथ अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसको हमने इधर रिप्लेस कर देना है। उमूमन तो डिफरेंस नहीं होता, मिलीमीटर्स मीटर्स के सेंटीमीटर्स के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन जो हमारे पास जो सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट्स हमने यूज़ करने हैं उसके अंदर हमारे पास हमने इस डेटे को यूज़ करना है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना
रखना है, इधर से आपने इसको कैसे चेक करना है, उसके लिए आगे मैंने एक शीट इधर बनाई हुई है। ये शीट आप देख रहे हैं, इसके ऊपर नेम प्रोजेक्ट एंड डिस्क्रिप्शन है। इधर से ये शीट ऑटोमेटिकली हमें इसके सेंटर लाइन के जो एलिवेशन होंगे इधर से वो हमें उसका एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें इधर वो दे देगा। तो ये हमारे पास जो डेटा आएगा ये हमारे पास NSL का डेटा आएगा। तो इसके अंदर इससे पहले मैं एक वीडियो टॉपोग्राफी के पॉइंट से इससे लास्ट एक दो वीडियो पहले मैंने अपलोड की है आप पॉइंट डिस्क्रिप्शन के हवाले से आप कैसे अपना टॉपो प्लान बना सकते हैं। तो यही शीट को मैंने इधर भी लगाया। इसके अंदर आपने इधर डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी आप लिखेंगे राइट साइड लिखेंगे तो ये आपका सारा राइट साइड के कोऑर्डिनेट्स इधर आ जाएंगे सारे। लेफ्ट साइड लिखेंगे तो लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। कोई भी आप इधर लिखेंगे तो इसके लिए हमें इधर चाहिए उसके सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट्स। तो सेंटर लाइन के लिए आपने ऊपर ये जो येलो सेल बना हुआ है उसके ऊपर आपने इधर येलो सेंटर लाइन कर देना है। तो नीचे आपके सारे ये सेंटर लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये सारे आ जाएंगे आपके इस NSL के हिसाब से। आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास जो सेंटर लाइन है ये इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 44.9132.205। तो ये इधर हमारे पास उसने ऑटोमेटिकली ले लिया। इसी तरीके से आप आगे आते हैं सेंटर लाइन का तो 1435906 और 0.343 हमारे पास इसकी ईस्टिंग नॉर्थिंग आ गई और साथ उसका एलिवेशन ये इधर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास सेकंड जो हमारे पास सेंटर लाइन जा रही थी ये आप देख रहे हैं कि सेंटर लाइन टू इधर हमारे पास आ रही है। इधर नीचे आ जाते हैं आप क्योंकि ये डेटा होता है थोड़ा सा लंबा, इसके ऊपर उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है हमें। तो ये सेंटर लाइन टू हमारी जा रही है तो इसका कोऑर्डिनेट है 44916 तो आप ये तो देख सकते हैं 41916.893 और इसी तरीके से इसका कोऑर्डिनेट 1435824। तो नीचे आप आ जाते हैं इधर तो आप ये देख सकते हैं 1435866.111। तो ये हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट्स इधर से इनके ऑटोमेटिकली आते जाएंगे एलिवेशन आएंगे। ये कोऑर्डिनेट जब आप इधर इकट्ठे आपके आ जाएंगे तो इधर से आपने इसकी RD को चेक करना है कि यह आपकी कौन सी RD इधर बन रही है। तो RD के लिए मैंने इधर डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाया हुआ है, इधर मैं आपको दोबारा लगा कर दिखा देता हूँ। इधर से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ इस फार्मेट को, आपको दोबारा इधर से मैं थोड़ा सा इसका बता देता हूँ फार्मूला आपने लगाना है। तो इधर से हमें जो इनकी जो RD जो होगी सेंटर आपने इधर आना है इक्वल टू लगाना है और 3 ब्रैकेट्स पहले लगा देनी है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपने N2 - N1 कर देना है, जो डिस्टेंस का फार्मूला है ब्रैकेट को आपने क्लोज करना है, स्क्वायर 2 कर देना। ये जो स्क्वायर का निशान होएगा ये आपके पास कीबोर्ड के ऊपर 6 के ऊपर होएगा, शिफ्ट के साथ ये आपका यूज़ होएगा। उसके बाद आपने प्लस कर देना है, फिर आपने ब्रैकेट लगानी है N2 - E1 कर देना है और इसको क्लोज करना है ब्रैकेट को, और इसी तरीके से आपने इसका स्क्वायर 2 ले लेना है। उसके बाद इसके ब्रैकेट को आपने क्लोज कर देना है और प्लस आपने कर देना है और आपने दोबारा इसका स्क्वायर ले लेना है 0.50 आपने एंड में ऐड कर देना है। इस तरीके से ये आपने फार्मूला बना लेना है, ये आपका इंटरनल डिस्टेंस इसके ऊपर आ जाएगा। आप इसको इधर से इंटर करते हैं तो इसको यस कर दें तो ये आपके सामने इधर उसका तो आपने ये लगाने के बाद एक ब्रैकेट को इधर से क्लोज कर देना, ये तीनों ब्रैकेट्स हमारी क्लोज हो जाएंगी। उसके बाद आपने इस सब का अंडर रूट ले लेना। अंडर रूट लेने के लिए आपने वही साइन यूज़ करना है 6 के ऊपर शिफ्ट के साथ और 0.50 का आपने वैल्यू दे देनी है। इधर से आप इसकी वैल्यू दे के इंटर करेंगे तो ये आप देखेंगे हमारे पास 50 मीटर का डिस्टेंस इधर आ गया, हमने RD के फॉर्मेट में इसको बनाया हुआ है। इसके बाद आपने इधर से डबल क्लिक करना है और इसके अंदर प्लस ऊपर वाली RD को आपने कर लेना है। आप इसको करेंगे तो ये आपके पास RD आ जाएंगी। इसी तरीके से इसको आप एंड तक लेके जा सकते हैं तो ये आपके पास सारी जो भी इनका इंटरनल डिस्टेंस होएगा उसके ऊपर ये आपकी RDs आ जाएंगी। आपको इधर से पता चल जाएगा ये जो हमारे क्रॉस सेक्शंस हमारे जितने हमारे पड़े गए हैं साइड के ऊपर वो कितने कितने डिस्टेंस के ऊपर हैं, उसकी XYZ और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो आपने ये सबसे पहले आपने ये लगा लेना है। उसके बाद ऑटो कैड के ऊपर आपने आ जाना है। ये शीट के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि आप इधर से अपना प्लान इधर से 1 क्लिक करके आप अपना प्लान ड्रा कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लान ड्रा आपने नहीं किया है, आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं तो आप कोऑर्डिनेट्स के जरिए भी ये जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे आप इसके ज़रिए भी अपनी इधर सेंटर लाइन को लगा सकते हैं। उसके बाद आपने रोड का ऑफसेट इसके ऊपर दे देना है, जो ROW आपके पास है तो आपने इसका दे देना है। तो ये प्लान आपने इधर बना लेना है। इसी तरीके से प्लान बनाने के बाद आपने ऑटो कैड के ऊपर आ जाना। तो ये आप ये देख रहे हैं स्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशंस डिस्क्रिप्शन का डेटा है। इस डेटा को हमने उस प्लान के ऊपर सबसे पहले प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए आपने उसको ऑटोकैड के फॉर्मेट के ऊपर ले आना है, इज इक्वल टू करना है स्टिंग
लगा देनी है, सिलेक्ट करना है, उसके बाद एंड है, डबल कामा, सिंगल कामा, डबल कामा, उसके बाद एंड का साइन आपने लगाना है, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद आपने नर्दिंग को आपने सिलेक्ट कर लेना है, इसी तरीके से आपने एंड लगाना है, डबल कामा, सिंगल कामा, उसके बाद फिर आपने डबल कामा और एंड लगाना है, और आपने एलिवेशन की वैल्यू को इधर से सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपने इधर से इसको इंटर कर देना है। इंटर करेंगे तो ये आप देखेंगे ये सारे के सारा आपके पास ड्रा हो जाएगा। आपने इसी प्लान इसी तरह इसको नीचे तक ले आना है। इसको मैंने टेबल की शक्ल में बनाया हुआ है, आप भी इसको टेबल की शक्ल में बनाएंगे तो ये सारा फार्मूला इकट्ठा हो जाएगा। आपने इस पूरे फार्मेट को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपने इधर से इंसर्ट के अंदर आना है और ये इधर आपके पास इधर टेबल वाला ऑप्शन आएगा, आप इसको टेबल बना के इसका नाम दे सकते हैं। तो आपने इसी तरह इसको बना देना है। तो उसके बाद आपने इस डेटे को सबको डेटे को आपने एंड तक सिलेक्ट कर लेना है। ये जो हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों पॉइंट्स हमारे पास इधर ड्रा होंगे उसका आपने इधर से एंड तक इसको आपने इस डेटे को सिलेक्ट करके उसको हम अपने ऑटो कैड के प्लान के ऊपर इधर से ड्रा करेंगे। तो आपने ये इस डेटे को बिल्कुल एंड तक इधर तक कॉपी कर लेना है। ये कॉपी राइट क्लिक करके कॉपी कर ले, ऑटो कैड के ऊपर आ जाए। ऑटो कैड के ऊपर आने के बाद आपने सबसे पहले फॉर्मेट के ऊपर आना है। इधर से आपने पॉइंट स्टाइल, ये पॉइंट स्टाइल है, इधर से आपने कोई पॉइंट स्टाइल चूज़ कर लेना है। उसके बाद ओके करना है और इधर से आपने कलर चेंज कर लेना पॉइंट्स का, जिस पॉइंट्स के ऊपर भी आप लगाना चाहते हैं। उसके बाद आपने इधर से ड्रा के ऊपर आना है और पॉइंट्स के ऊपर आना है और मल्टीपल पॉइंट को आपने चूज़ कर लेना है। मल्टीपल पॉइंट को क्लिक करके आपने इधर कमांड बार के ऊपर आना है और जो डेटा आपने कॉपी किया था उसको आपने इधर पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट करेंगे तो ये देखेंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑटोमेटिकली सारे उधर पॉइंट्स से ड्रा होते जा रहे हैं। तो ये पॉइंट्स हमारे इधर ड्रा हो जाएंगे उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे पास उसका डेटा पड़ा गया होगा। आप इसको आरी करेंगे, रिजेंट करेंगे तो ये आपके पास पॉइंट्स सारे छोटे हो जाएंगे। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सारी आरडीज के ऊपर इसका सारा डेटा हमने इधर प्लाट कर लिया। प्लाट करने के बाद आप इस ड्राइंग को सेव कर लें अपने पास, इसको सेव करके और इसको रख लें ड्राइंग को। तो ये आपने इसी तरीके से इन पॉइंट्स को आपने इधर से कॉपी करना है और इधर ड्रा कर देना है। उसके बाद ये आप ये देख रहे हैं सेंटर लाइन, ये हमारे पास जो इन पॉइंट्स की थी इसको भी आप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप इधर से इसको कॉपी कर लें इस डेटे को, और कॉपी करने के बाद आप उधर से उसके ऊपर चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये सेंटर लाइन डिस्टर्ब तो नहीं है। कि आपने इधर से उसको कॉपी करना है, ऑटो गाइड के प्लान के ऊपर आ जाना है, इधर से कलर आपने चेंज कर देना है जो आपने पहले लाइन लगाई हुई थी। उसके बाद आपने इधर से पोली लाइन की कमांड ले लेनी है और इधर आप पेस्ट कर देना है इन कोऑर्डिनेट्स को। आप पेस्ट करेंगे तो ये देखेंगे हमारे पास ये लाइन सेम टू सेम उन्हीं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आ रही है सारा का सारा। इधर से थोड़ा बहुत आपने सिर्फ ये पॉइंट्स को देखना है जो इन पॉइंट के ऊपर आपकी आरडी लगी हुई है। तो ये आप ये देख रहे हैं इधर से ये पॉइंट थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ये इसी तरीके से ये चीज़ों को आपने इधर से सबसे पहले आपने इनको देखना है और देखने के बाद जिधर थोड़ा बहुत फ़र्क होगा उधर से आपने उस चीज़ को उधर से चेंज कर देना है उसके डेटे को। तो ये प्लान आपने इसी तरह बना लेना है। ये डेटा जो आपके सामने सेंटर लाइन का डेटा आएगा और इधर आपके पास डिज़ाइन का डेटा आएगा और इधर से आपके पास जो NSL बने होंगे तो इन चीज़ों को आप उधर से प्लाट करके सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने इधर XYZ डेटा लिखा था, ऊपर आप आते हैं तो इधर आप देख सकते हैं रोड की टोटल वेथ। मैं आगे क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा आपको, तो इधर हमें जब लेवल लिख दिए हैं इसके डिज़ाइन लेवल भी हमने लिख दिए हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए, तो आगे हम जो टॉप का जो सरफेस होएगी वो भी हम इधर बनाएंगे। तो आपने इधर से टिपिकल सेक्शन के ऊपर इधर अपने पास आ जाना है और इधर से आपके पास जो रोड की टोटल वेथ जा रही होगी, जो रोड की टोटल वेथ आउट मोस्ट पॉइंट तक जा रही होगी वो आपने लिखनी है। मेरे पास इधर 15.15 है, इन दोनों को मैं प्लस करूँगा तो इधर मेरे पास इसकी वेथ 30 आ जाएगी। तो आपने इसकी विर्थ को क्रॉस सेक्शन के ऊपर से देख के इधर लिख लेना है। पेवीमेंट स्लोप, पेवीमेंट स्लोप आपके पास जो ऊपर ये पेवीमेंट स्लोप जा रही है 1.5% की दोनों साइडों के ऊपर, ये आपने स्लोप इधर लगा देनी है। ये आप -2 लिखी हुई है, आपने इधर से इसी तरीके से -1.5 जो भी आपकी ड्राइंग के ऊपर है वो आपने इधर लगा देनी है। सिर्फ एक साइड एक स्लोप आपने देनी है कि दूसरी स्लोप हम ऑटोमेटिकली उसके ऊपर से लेंगे। उसके बाद ये आप देख रहे हैं साइड स्लोप, साइड स्लोप जो होती है, साइड स्लोप हमारे पास क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये स्लोप जो जा रही होती है, ये वाली स्लोप, ये साइड स्लोप कहलाती है, जो मिट्टी की रिटेन वाल होती है जितने तक हमने ये एम्बैकमेंट सारी फिल की होती है, तो ये हमारी साइड स्लोप होती है। साइड स्लोप इधर हमारे पास 2-in-1 की दोनों साइडों के ऊपर है। तो आपने इधर से उसके अंदर जस्ट जो हॉरिजॉन्टल स्लोप होगी, ये H लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल स्लोप की वैल्यू आपने इनपुट कर देनी है। आपके पास 1 in 2 है तो आपने 2 कर देना है, 1 in 3 है तो आपने 3 कर देनी है इधर, और इसी तरीके से 1 in 5 है तो आपने 5 कर देनी। तो मेरे पास 2 है तो मैंने इधर से इसकी वैल्यू
टू इंटर कर दिए। तो ये आपने वैल्यू इधर से ये तीन वैल्यू आपने इसके अंदर इनपुट कर देनी है ताकि क्रॉस सेक्शन आगे हम बना रहे हैं। तो ये इजी तरीके से हमारे NSL और टॉप वाले जो लेवल्स हैं उसकी लेंस वगैरह सारी लगती जाए। तो ये इस शीट के ऊपर कैलकुलेशन जो शीट थी पहली शीट, इसके अंदर ये जो डेटा था ये सारा मैंने आपको बताया। आपने इसके अंदर जस्ट प्लाट करना है, उसके बाद ये आपके पॉइंट्स आ जाएंगे, इसको आपने छोड़ देना। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। तो आपने इधर से जो कलर्स आपके पास ओपन होंगे आपने उसके अंदर जस्ट डेटे को पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद आपने उसको इधर से बना देना है। तो इधर से मैं इसका कलर्स वगैरह चेंज कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली प्लाट हो जाएगा। इधर से RDs को आपने नहीं चेंज करना, और इस सेक्शन के अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऊपर आपने सेंटर लाइन डिस्क्रिप्शन देनी है। इसकी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक मैं पिछली वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, बहुत यूज़फुल वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आपने इधर कैलकुलेशन शीट के ऊपर इधर आ जाना है। कैलकुलेशन शीट के ऊपर आएंगे, इसके ऊपर आप ये देख रहे हैं कि ये आपने एक फॉर्मेट इसी तरीके से बना देना है। आपने पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन, डिस्क्रिप्शन, ऊपर आपने RD लिख देनी है, क्रॉस सेक्शन एट RD, जो सी भी RD का आप क्रॉस सेक्शन बनाना चाहते हैं। उसके बाद ये एक डिस्टेंस वाला कॉलम आएगा, एलिवेशन वाला कॉलम आएगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेशंस की शीट हमारी ये यूज़ होगी सारी। इधर हमने डेटा इनपुट करना है उधर से, ये कैलकुलेशन शीट के ऊपर से, और इधर से ये हमने इसकी कैलकुलेशन बनानी है। उसके बाद पी लाइन बना देनी है, और उसके बाद कोऑर्डिनेट्स की लाइन बना देनी है। आगे आप आते हैं तो ये हमने डिज़ाइन सेक्शन बनाया हुआ है, जिसके अंदर रोड की टोटल विड्थ के हिसाब से उसका सेंटर का जो एलिवेशन जो है इधर हमारे पास ये आ रहा है एलिवेशन RD के ऊपर। ये एलिवेशन हमने इधर ऑटोमेटिकली लेना है, तो कैसे लेना है, और उसकी जो शीट बनानी है एलिवेशन, और इसके जो राइट और लेफ्ट के ऑफसेट लगाने हैं तो वो कैसे लगाने हैं, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, काम को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। तो ये आपने फॉर्मेट इसी तरह बना देना है, इस फॉर्मेट को आपने एक RD को इधर बना देना है, डिज़ाइन सेक्शन को भी इसी तरह बना देना है। इस पूरे फॉर्मेट को आपने इधर से कॉपी करना है और नीचे इसी तरह पेस्ट करते जाना है जितनी आपके क्रॉस सेक्शन बढ़ रहे हैं। क्रॉस सेक्शन हमारे कितने बढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन शीट के ऊपर आते हैं तो क्रॉस सेक्शन हमारे पास इधर सेंटर लाइन के जो इधर डेटा आ रहा है उसके हिसाब से हमारा 58 क्रॉस सेक्शन हमारे पास इधर बन रहे हैं। तो आपने इधर से इसी तरीके से इस फॉर्मेट को नीचे तक एक ही दफ़ा बना देना है। बनाने के बाद आप एक को भी बना के नीचे कॉपी कर सकते हैं, आप अलग-अलग भी बना सकते हैं अपने जिस फॉर्मेट के ऊपर। ये मैं शीट रख दूंगा, आप इस फॉर्मेट को भी यूज़। तो इधर आपने जो RD लिखनी है आपने इधर से इक्वल टू करना है, कैलकुलेशन शीट के ऊपर आ जाना है, और ये जो हमारे पास इधर डिज़ाइन लेवल की पहली RD आ रही होगी इसको आपने इधर से क्लिक करना है और इधर RD बना देना है। इसी तरह डिज़ाइन सेक्शन के ऊपर भी आपने इक्वल टू करना है और यही RD को उसके सामने लगा देना है। इधर से जो डिज़ाइन RD आपकी चेंज होगी, इधर से आपकी RD ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से आपने नीचे आ जाना है, 50 वाली RD के ऊपर आपने इधर से 50 वाली RD लगा देनी है, और आपने इसी तरीके से इधर इस शीट को इधर कॉपी कर देना। तो ये RD जो आपने लगानी है सबके ऊपर आपने सेम टू सेम इसी तरीके से इनका इंटर करनी है इस डेटे के ऊपर। तो ये इस शीट को आपने इसी तरीके से कॉपी करके फॉर्मेट को अपने 58 क्रॉस सेक्शन के हिसाब से बना दें। इधर डेटा इंपोर्ट करने के दो तरीके का आ रहे हैं। पहला तरीका है वी लुकअप के जरिए। वी लुकअप का मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर आपने कैसे करना है। मैं इसकी शीट को फिक्स नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से तो इसके डेटा को मैं फिक्स कर दूंगा, लेकिन आप जब इसको यूज़ करेंगे तो हर एक का राइट और लेफ्ट साइड के NSL किसी पॉइंट्स के ज़्यादा होते हैं RD के, और किसी RD के कम होते हैं। तो इसलिए इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ, जस्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद एक सिंपल तरीका कॉपी एंड पेस्ट के जरिए हम करेंगे। तो आपने तो सिर्फ राइट क्लिक करना है, इंसर्ट के ऊपर आ जाना है। वी लुकअप के जरिए जब आप काम करेंगे तो आपने इधर पहली RD जो हमारे पास जा रही है इधर ये 00 वाली, आपने इधर 0 करना है, और इधर से अंडरस्कोर करके आपने इधर 1 कर देना है। ये आपने इधर कर देना है 1, और उसके बाद आपने इधर से इसको डबल क्लिक करना है, और जिधर आपकी RD एंड हो रही है ये देख रहे हैं कि हमारी इधर राइट साइड की RD ख़त्म हो गई है, लेफ्ट साइड की स्टार्ट हो रही है आगे नई RD। तो आपने इधर से सबसे पहले ये RD को मैं इधर से हाईलाइट कर देता हूँ। आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास राइट साइड लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है, फिर सेंटर लाइन है, फिर राइट साइड के जा रहे हैं, उसके बाद लेफ्ट साइड आ रहा है। तो हमारा जो पहला जो हमारे पास RD है हमारे पास वो RD हमारी 15 पॉइंट्स की है, जिसमें सेंटर लाइन समेत ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास नेक्स्ट RD आती है तो आपने इधर से नेक्स्ट RD हमारे पास इधर आप देख रहे हैं कि 50 की RD है हमारे पास, तो आपने इधर 50_1 कर देना है। 1 करने के बाद आपने इसी तरीके से इसको नीचे तक ले आना है, और RD अपनी देख लेनी है कि हमारी RD किधर ख़त्म हो रही है। ये हमारे पर राइट साइड आ रहा है, इधर ख़त्म हो रहा है, तो ये 22
पॉइंट्स हमारे पास इधर है, तो ये पॉइंट्स थोड़े से कम या ज़्यादा होते हैं डेटा के हिसाब से। मैं शीट को अगर मैं इधर फिक्स कर दूंगा तो ये जब आप शीट को कल यूज़ करेंगे तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स आएगी कि भाई ये शीट काम नहीं कर रही। तो मैं आपको, अगर आप खुद काम करना चाहते हैं, हिम्मत करना चाहते हैं, तो वी लुकअप के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो ये आपने इधर उसकी आरडीज इधर लगा देनी है साइट के ऊपर। आरडीज लगाने के बाद आपने इधर से इसको सिलेक्ट कर लेना, ये दो आरडीज मैं इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद आप इसका डिफाइन नेम कर दें, इधर से डिफाइन नेम भी कर सकते हैं आप, या आप इधर से इंसर्ट करके और आप इसका टेबल बना सकते हैं। टेबल मैंने चूंकि पहले बनाया हुआ है तो मैं इसका नेम डिफाइन कर देता हूँ। मैं इसका नेम डिफाइन करने के बाद NSL कर देता हूँ इधर से। तो आपने ये आरडीज और ये टेबल बनाने के बाद इधर आके आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे NSL का नाम हमने दिया था। तो ये NSL को आप क्लिक करेंगे तो ये NSL की शीट इधर सेलेक्ट हो जाएगी। इधर मैंने बाकी भी बनाए हुए हैं, इधर NZ डेटा आप ये देख रहे हैं, ये पूरा डेटा मैंने सेलेक्ट किया हुआ है जिसके ऊपर आके मैंने ये शीट को क्रिएट किया था। आप इसके ऊपर भी डबल क्लिक करके इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने ये शीट को बनाने के बाद कोई भी नाम एंटर करने के बाद आपने कैलकुलेशन शीट के ऊपर आ जाना है और इधर अपने इनपुट डेटा जो आपका है तो पहले कॉलम के अंदर अगर वी आई लुकअप को हमने यूज़ करना है तो आपने इधर से इक्वल टू करना है पहले सेल के ऊपर 10 नंबर कॉलम के ऊपर, और इधर अपने इस मेन डेटा शीट के ऊपर आ जाना और जो 1 नंबर हमने बनाया था उसको आपने इधर से इंटर कर देना है। इंटर करके आप इसको इधर नीचे डबल क्लिक कर दें, नीचे तक कर दें तो ये आपके पास सारे नंबर आ जाएंगे। आप जीरो से ले रहे हैं तो आगे आप ये देख रहे हैं वापस इसके 15 नंबर के डेटा आया, तो नीचे वाला जो आया सेक्शन आया वो हमारे पास इधर 50 वाला था। तो इसको हम इधर से ख़त्म कर देंगे। ये नीचे मैंने एक्स्ट्रा लाइंस थोड़ी सी छोड़ दी हैं, क्रॉस सेक्शन किसी जगह ऊपर ज़्यादा होते हैं किसी जगह के ऊपर कम होते हैं, तो ये आपको जो डेटा आप इधर इंटर करना चाहेंगे उसका डेटा आप इधर इंटर कर सकते हैं। इसी तरह 0-50 वाली क्रॉस सेक्शन के ऊपर आ जाएँ, आपने इधर से इक्वल टू करना है और इक्वल टू करने के बाद आप इधर से देखेंगे कि इधर मैंने हाईलाइट कर दिया है इसके राइट साइड हमारा, ये इधर सेंटर लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा था और राइट साइड, तो इधर हमारे पास जो आगे आईडी आ रही है वो 50 की आ रही है। 50 के आरडी को आपने इक्वल टू करके और इधर आपने इसी तरीके से नीचे प्लॉट कर देना, जिधर तक आपके 50 के पॉइंट्स जा रहे हैं आपने उस पॉइंट्स को इधर तक लगा देना है, इनको आपने देखते जाना है। तो ये आप आगे देख रहे हैं, आगे 100 वाली आरडी आ गई है, आपने इसको इधर से ख़त्म कर देना है और इसी तरीके से आपने इक्वल टू करना है। और आगे आपने जो आपके पास नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन है हमारे पास, ये राइट साइड इधर ख़त्म हो रहा है, लेफ्ट साइड स्टार्ट हो रहा है, 100 वाली आरडी है, तो आपने इधर ये 100 वाली आरडी को इधर लगा देना है। ये जो तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा ये हमारा है वी लुकअप के ज़रिए। अगर आपको ये तरीकाकार पसंद आता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका भी मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये आपने इसी तरीके से पॉइंट्स को लगा देना है। लगाने के बाद आपने इधर सबसे पहले पॉइंट नंबर के ऊपर आ जाना है, इक्वल टू करना है, वी लुकअप आपने टाइप करना है, तो ये आपके सामने फार्मूला इधर आ जाएगा। आपने इधर से इसको क्लिक कर लेना है और इधर से A10 नंबर का जो सेल जो आपका कॉलम आ रहा है इसको आपने सेलेक्ट करना है और इधर से आपने कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद आपने इधर टेबल चूज़ करना है, NSL का हमने बनाया था, NSL का नाम आपने इधर इंटर कर देना है, NSL उधर से सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कॉमा आपने लगाना है और इधर कॉलम का नंबर लिखना है। इधर मैं बैकशीट के ऊपर आता हूँ तो ये मैं आपको बता दूँ कि इधर ये हमारे पास जो हमने टेबल बनाया था उसके बाद ये नंबर कॉलम जो था, ए नंबर का कॉलम हमारा 1 कॉलम था, उसमें नंबर जो ये सीरियल नंबर लगे हुए हैं इसका 2 था, और इधर से आपने जो पॉइंट नंबर लगाया था इसका 3, स्ट्रिंग का 4, 5, 6, 7, तो 7 नंबर के ऊपर हमने ये टेबल बनाया था। अगर हम पॉइंट नंबर लिखेंगे तो 3 नंबर लिखेंगे, 1, 2, 3, स्ट्रिंग लिखेंगे तो 4 नंबर, नॉर्थिंग लिखेंगे 5 नंबर, एलिवेशन लिखेंगे 6 और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो 7। तो आपने इधर कैलकुलेशन शीट के ऊपर आना है इधर, तो ये इधर से मैं इसको बैक कर देता हूँ क्योंकि ये हमने शीट खोली थी तो ये इधर से सिलेक्ट हो गई थी। तो आपने NSL लिखने के बाद कॉमा लगाना है और पॉइंट नंबर है तो आपने 3 लगाना है, कॉमा उसके बाद 0 लगा के ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, इंटर कर देना है। इंटर करेंगे तो देखेंगे आपके पास कॉलम पॉइंट नंबर 1 आ गया उस पॉइंट के सामने, तो ये पॉइंट नंबर 1 था हमारा, ये इधर आ गया। इसके बाद आप, मैं दोबारा आपको बताता हूँ, आप इसको कॉपी करके भी लेके जा सकते हैं लेकिन मैं आपको दोबारा लगा के बता देता हूँ। वी लुकअप इधर करेंगे, वी लुकअप को क्लिक कर देंगे, आपने इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, कॉमा अपना NSL का जो टेबल आपने बनाया था उसको आपने इधर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने इधर से कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद पहले नंबर के ऊपर हमने 3 लगाया था, इधर हमने लगाना 4, 0 और इधर से ब्रैकेट इसकी क्लोज कर देनी है। तो ये आप देखेंगे हमारे पास स्ट्रिंग की वैल्यू इधर आ गई है 4491189, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग की वैल्यू है 4491189.005। इसी तरीके से नॉर्थिंग, एलिवेशन और आगे ये चीज़ें आपने इसी तरीके से लगा देनी है। इक्वल टू कर लें, वी लुकअप आप कर लें, इस पॉइंट को आपने चूज़ करना है, कॉमा
एनएसएल जो हमारे पास टेबल रहा था, एनएसएल आपने इधर लिखना ही आपके सामने आ जाएगा, आपने सेलेक्ट करना है कॉमा, हमने इधर 3 4 और ये आगे हमारे पास आएगा 5 0, और उसके बाद हमने इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, ये नॉर्थिंग की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इस फार्मूले को आपने इधर से कॉर्नर से पकड़ के दूसरी तरफ आप लगा सकते हैं। इधर आपके पास एन ए आ रहा है, कोई मसला नहीं है, फार्मूला आपका लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि बी वन वैल्यू, हमने फार्मूला आगे किया तो ये वैल्यू सिलेक्ट होगी, या आपने इधर से बी वन की जगह ए टेन कर देना है। इधर हमारे पास 5 था तो आपने इधर से उसको 6 कर देना है। 6 करेंगे तो ये हमारे पास इधर एलिवेशन आ जाएगा। इसी तरह डिस्क्रिप्शन में इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो कॉलम हमारा पहला था, आपने इधर से इसको 8 10 कर देना है, और इधर से 6 हमारे वैल्यू लास्ट आई थी, इधर हमने 7 कर देना है। तो ये आप देखेंगे हमारे पास इसके पॉइंट नंबर स्ट्रिंग नॉर्थिंग एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन इधर आ गए। इसके बाद आपने इस कॉलम को इसी तरह सेलेक्ट करना है और इधर नीचे उसकी लाइन लगा देनी है। अभी आप देखेंगे 2 नंबर के ऊपर ऑटोमेटिकली हमारा इधर से सिलेक्ट हो गया है उसकी वैल्यूज़ वगैरह सारी। तो इसी फार्मूले को आप नीचे तक क्लिक कर दें, इसके सामने तक जिधर तक हमने इस पॉइंट्स को बनाया था, तो ये 3 नंबर पॉइंट आ जाएंगे। आप इसको आगे लेकर आएंगे तो ये हमारे पास नॉट अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि आगे हमारे पास इधर नंबर नहीं है। तो आपके पास जितने पॉइंट्स होंगे सारे इधर से ऑटोमेटिकली इसी तरह ये लग जाएंगे। तो ये आपने इस फार्मेट को आपने इसी तरह बना देना है इसको। इसको बनाने के बाद इधर से मेरे पास इसको मैं जो फार्मेट सेल था इसको मैं इधर से सिंगल लाइन कर देता हूँ, तो ये हमारे पास पहली आईडी का डेटा आ जाएगा। आपने इसी तरीके से अभी आपके पास एक आपने बना दिया है, आपने इसको जैसे कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आप इसको नीचे इधर पेस्ट कर सकते हैं। आगे पेस्ट जस्ट आपने पेस्ट करना है, आप देखें पेस्ट करते जाएंगे तो आपके कोऑर्डिनेट्स ऑटोमेटिकली, हमारे पास इधर 15 नंबर था तो आगे हमारे पास 16 उसकी स्ट्रिंग नॉर्थिंग एलिवेशन, ये जो हमारे पास सेकंड सेल के जो कॉलम थे सारे 2 नंबर पॉइंट्स स्ट्रिंग नॉर्थिंग एलिवेशन, ये सारे इधर ऑटोमेटिकली इधर से आते जाएंगे। तो आपने इसी तरह इसको कॉर्नर से पकड़ना है इस फॉर्मेट को, और जैसे आपने नीचे तक आपने लगा देना है जैसे तक आप हमारे पास इधर पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये डेटा हमारे पास इधर ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। इसी तरीके से आप इस फॉर्मेट को एंड तक लगा सकते हैं, जितना तक आप इसको लगाना चाहते हैं, सारे फॉर्मेट्स को लगाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से इसके अंदर काम कर सकते हैं, या आपने इसको इधर से कॉपी कर लेना है। इस फार्मूले को किसी भी फार्मूले किसी भी शेप से आप कॉपी कर सकते हैं, इधर आप पेस्ट कर सकते हैं इसको, और पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये आपके पॉइंट्स ऑटोमेटिकली इधर ऐड होते जा रहे हैं। तो आपने इन पॉइंट्स को इसी तरीके से कॉपी करके और इधर नीचे जगह तक आपके पॉइंट्स लगे हुए हैं, आपने उधर तक इस डेटे को नीचे तक पेस्ट कर देना है। तो ये आप पेस्ट करते जाएंगे तो ये आपके इधर से ऑटोमेटिकली इधर आपके पॉइंट नंबर्स वगैरह भी आते जाएंगे, और इधर से आपका पूरा डेटा भी कम्प्लीट होता जाएगा। पहला नंबर का तरीका तो ये था। दूसरे नंबर के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि 150 वाली आरडी, ये सिंपल मेथड हम यूज़ करेंगे उसका, तो आपने कैलकुलेशन शीट के ऊपर आ जाना है। 150 वाली आरडी के सामने 100 वाली आरडी हमारे पास, ये 150 वाली आरडी है, तो आपने 150 वाली आरडी के सामने आ जाना है। ये हमारे पास 150 वाली आरडी है, तो आपने इधर से इस डेटे को इधर से सिलेक्ट करना है, जिधर तक आपके पास एंड जा रहा है इधर तक आपने इसको सिलेक्ट करके इधर से कॉपी करना है, और इधर आके जस्ट आपने इसको इधर एज ए वैल्यू आपने इसकी पेस्ट कर देनी है, तो ये आपके पास डेटा इधर आ जाएगा। इसी तरीके से आपने इधर जो फॉर्मेट बनाने के बाद ये जो भी डेटा आ रहा है आपका, आप इसको इधर से कॉपी करके और उधर रख सकते हैं। तो ये मैंने दोनों तरीक़ाकार आपको मैंने इधर बताए हैं, आपने इस तरीक़ेकार के हिसाब से ही काम करते जाना है, जो सा तरीका आपको सूट करता है आपने उसी तरीके के ऊपर आप इसको काम कर लें। अगर आप लेटेस्ट तरीका यूज़ करना चाहते हैं तो वी लुकअप भी आप कर सकते हैं, और अगर सिंपल तरीका आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से इसको कॉपी करें, और इधर आने के बाद आपने इस डेटे को इधर पेस्ट कर देना है। तो ये भी आगे नीचे मैंने डेटा सारा ये बनाया हुआ है, सारा ये सारा मैंने पेस्ट कर दिया ताकि टाइम की बचत हो जाए। ये मैंने पेस्ट ही किया हुआ है, ऊपर वाले 3 क्रॉस सेक्शन आपको इधर वी लुकअप के जरिए मिल जाएंगे, और नीचे वाला जो डेटा होगा सारा, वो सारा आपने इसी तरह बना देना है। ये एंड तक ये पूरे क्रॉस सेक्शन का डेटा मैंने सारा बना दिया, तो आपने ये इसी तरीके से इस फॉर्मेट को बना देना है, और उसके अंदर इस डेटे को इधर कॉपी करके आपने इधर लगा देना है। वी लुकअप इधर करना है तो आपने नंबर भी साइड पर लगा देने, और अगर आपने जस्ट उसको पेस्ट करना है तो आप इसको पेस्ट करते जाएं। तो पेस्ट वाला ऑप्शन थोड़ा सा इजी आएगा, इसके अंदर काम भी थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो आपने इसी तरीके से ये पूरा फॉर्मेट एंड तक बना देना है। तो ये फॉर्मेट आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल इजी फॉर्मेट है, इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल वर्किंग मैं कर रहा हूँ। ये नीचे जो आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं ये मैंने नीचे जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए छोड़ दिए हैं, कि किसी जगह के ऊपर क्रॉस सेक्शन हमारे पास ज़्यादा आ जाते हैं, उसका डेटा हमारे पास ज़्यादा होता है, लेंथ उसकी लंबी हो जाती है, तो उधर हमारे पास उसका डेटा ज़्यादा आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं 2850 या 2900 तक का डेटा हमने इधर
इंटर कर दिया, आप भी डेटा इसका इसी तरीके से इनका इंटर कर लें। पहला वी लुकअप के जरिए मैंने बताया और दूसरे नंबर के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेट सेक्शन। सबसे अहम हमारा जो पॉइंट्स आएगा ये कोऑर्डिनेट्स वाला होएगा। हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। एलिवेशन हमारे पास सेम टू सेम यही आएगा, हमने जैसे इसका डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमने सेंटर लाइन को हाईलाइट कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये सेंटर लाइन ही हमने आगे मेन पॉइंट के ऊपर लेना है सेंटर लाइन, और इसी सेंटर लाइन के ऊपर हमने इस डेटे को बनाना है। तो एक हम फार्मेट इधर बनाएंगे, उस फार्मेट को हम नीचे पेस्ट करते जाएंगे, थोड़ी सी चेंजिंग्स होंगी डेटे के हिसाब से, राइट और लेफ्ट के हिसाब से। अभी आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पर कम है, राइट साइड पर ज़्यादा डेटा है, तो उस हिसाब में इधर उसकी वर्किंग होगी। तो आपने इधर सबसे ऊपर आ जाना है, इधर आपने इज इक्वल टू लगाना है, आपने थ्री ब्रैकेट्स लगानी है। थ्री ब्रैकेट लगाने के बाद ये सेंटर लाइन को जो हमने हाईलाइट किया है, इसकी नॉर्थिंग की वैल्यू को आपने पहले ले लेना है। इसको आपने F4 करके लॉक कर देना है। लॉक करके लॉक करेंगे तो ये डॉलर साइन आपके सामने हो जाएगा। आपने कीबोर्ड की मदद से F4 प्रेस कर देना है, माइनस करना है, और उसमें से आपने नॉर्थिंग टू जो एंड वाली इसके सामने वाली आ रही है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, और इधर से आपने स्क्वेयर टू कर देना है। ये आपके पास जो ये जो बटन आ रहा है आपके पास स्क्वेयर का, ये आपके पास कीबोर्ड के ऊपर 6 नंबर के ऊपर नजर आएगा। इसके बाद आपने इधर से प्लस करना है और इधर से इसी तरह ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है। ये ईस्टिंग सेंटर लाइन की ईस्टिंग को सिलेक्ट करना है, F4 प्रेस करके इसको इधर लॉक कर देना। लॉक करने का मकसद ये आएगा कि जो कैलकुलेशन होगी वो इधर से इसकी चलेगी, ये दरमियान में ये डिस्टेंस हमारे पास जो ऊपर वाली लाइन है वो चेंज होती जाएंगी। इसी तरह आपने माइनस का साइन लगाना है और E2 जो वहाँ पर लास्ट वाली आ रही है ईस्टिंग, उसको आपने सेलेक्ट कर देना है, और इसी तरीके से आपने इसका स्क्वेयर टू कर देना है। टू करने के बाद आपने इधर से इसकी ब्रैकेट को एक को क्लोज कर देना है, और इधर से आपने दोबारा स्केयर लेना है 0.50, आपने इंटर कर देना है, और इधर से आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अभी ये हमारा फार्मूला इधर कंप्लीट हो गया है, इसको हम इंटर करेंगे तो आप ये देखेंगे 72.143 हमारा डिस्टेंस आ जाएगा इस सेंटर लाइन से लेके इस पॉइंट तक का। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, आपने इज इक्वल टू करना है, थ्री ब्रैकेट्स लगा देनी है आपने। लगाने के बाद आपने ये वैल्यू ले लेनी है, इसको आपने F4 कर देना है, माइनस करना है E2 ये सामने वाली वैल्यू को, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इसका स्क्वायर टू कर देना है। प्लस लगाना है, आपने ब्रैकेट दोबारा लगा देनी है, फिर सेंटर लाइन वाली स्ट्रिंग को सिलेक्ट करके इसको लॉक कर देना है, माइनस। तो आपने जैसे ये वाला पॉइंट जो है इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है उसकी स्ट्रिंग का, आपने ब्रैकेट क्लोज करना है, स्क्वायर ले लेना है इसका। इसके बाद आपने जैसे इसकी ब्रैकेट को टोटल क्लोज कर देना है, और पूरी जो हमारी कैलकुलेशन है उसका आपने अंडर रूट ले लेना है। अंडर रूट लेंगे तो उसके लिए आपने इसी तरह आपने स्क्वायर 0.5 कर देंगे। तो आप इंटर करेंगे तो आप देखेंगे सेकंड डिस्टेंस हमारे पास 71.336 आया इस कैलकुलेशन के हिसाब से। तो आपने ये फार्मूला इसी तरह बनाना है, इसके बाद आपने इसको इधर नीचे कॉर्नर से पकड़ के नीचे तक पेस्ट कर देना है। तो ये आप देखेंगे हमारे पास इधर नीचे भी जो कैलकुलेशन हुई है वो उसने सेंटर लाइन उसी पॉइंट को लिया, और आगे इसी तरीके से वो कैलकुलेशन चेंज करते गया, जिधर जिधर जो जो डिस्टेंस हमारा आ रहा था उसका इधर उसने डिस्टेंस इधर लगा दिया। तो ये आपने तो ये भी हमारा डेटा इधर कंप्लीट हो गया डिस्टेंस, लेकिन इसके अंदर आप ये देख रहे हैं ये हमारे पर लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड की जितनी वैल्यूज आएंगी वो हमारी सारी माइनस के अंदर इधर होंगी। हमने ऑटोकैड के ऊपर जब इसको प्लॉट करना होता है तो ये माइनस के अंदर जाती हैं। तो आपने इधर से डबल क्लिक करना है और जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज़ हैं उसके आगे आपने इधर माइनस लगा देना है। सेकंड नंबर को भी आपने सेलेक्ट कर लेना है, ये इस तरह सबसे स्टार्ट के अंदर आपने इधर उसके अंदर माइनस लगा देना है, और जितनी लेफ्ट साइड की वैल्यू हैं सबके ऊपर आपने इसको इसी तरीके से इसके ऊपर कर देना है, साइन लगा देना है। उसके बाद आपने एलिवेशन के ऊपर आ जाना है, इधर से आपने इक्वल टू लेना है, और ये जो एलिवेशन आपके जा रहे हैं इसको आपने इधर से सेलेक्ट कर लेना है। ये सेम टू सेम हमारे पास एलिवेशन वही आएंगे, आपने इनको सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके और एंड तक आपने इसकी लेंस को आपने लगा देना है। ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, ये हमारे पास आगे एलिवेशन। उसके बाद पी लाइन है, ये पी लाइन है हमारे पास, ये डिस्टेंस और एलिवेशन की क्रॉस सेक्शन इसके लिए होगी। इधर से पी लाइन मैं इधर आगे ना साथ इसके साथ क्रॉस सेक्शन इधर लिख देता हूँ, ये क्रॉस सेक्शन की लाइन होगी हमारी। ये पी लाइन जो होगी उसके इसको हमने ज्वाइंट करना है उसी तरीके से जिस तरीके से हम अपने डिस्टेंस और एलिवेशन को करते हैं। तो आपने इज इक्वल टू लगाना है, डिस्टेंस ले लेना है, आपने एंड लगाना है, डबल कामा सिंगल कामा डबल कामा एंड, और उसके बाद आपने एलिवेशन की वैल्यू लेके इधर इंटर कर देना है। उसके बाद आपने इज इक्वल टू करना है, उसके बाद दोबारा आपने इधर से इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, एंड करना है, डबल कामा सिंगल कामा डबल कामा एंड, और इसका एलिवेशन की वैल्यू आपने इधर से कर देनी है। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास इधर फिगर डेसिमल्स के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आप इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इसके फिगर लेके जा रहा है। तो आपने इधर
इस फार्मूले के ऊपर आ जाना है, बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर। आपने इधर एफ आई एक्स लिखना है, ये फिक्स्ड आपके सामने आ जाएगा। आपने इसको इधर से डबल क्लिक करना है और इसके साथ आपने एक ब्रैकेट को ऐड कर देना है। ब्रैकेट को आप एक और ऐड करेंगे, उसके बाद आपने इधर से कॉमा लगाना है और उसके साथ थ्री करके इसकी ब्रैकेट को आपने इधर क्लोज कर देना है। आप देख सकते हैं इज इक्वल टू फिक्स कर दिया, एक ब्रैकेट हमने इधर ऐड कर दिए और लास्ट के ऊपर हमने ब्रैकेट लगा दी। आप इंटर करेंगे तो अभी आप देखेंगे हमारे पास डिस्टेंस 72.143 आ गया है। दोबारा आप मैं बता देता हूँ आपको, आपने इधर बिल्कुल स्टार्ट में आना है, इज इक्वल टू बाद आपने फिक्स्ड इधर से लिखना है, एक ब्रैकेट को आपने इधर ऐड कर देना है और इधर से आपने कॉमा लगाना है और थ्री फिगर, आप थ्री फिगर के अंदर लिखना चाहते हैं थ्री कर दें, टू फिगर के अंदर इशारिया के बाद डेसिमल रखना चाहते हैं तो आप टू करके इंटर कर दें। आप देखेंगे ये आपके पास इधर फिगर टू आ जाएगा। आप थ्री करना चाहते हैं आप इधर से इसको चेंज कर दें, थ्री कर दें तो ये 71.336 आ जाएगा। फोर करना चाहेंगे तो इधर आपके पास फोर आ जाएगा। तो हमने इसको थ्री फिगर्स डिजिट्स के अंदर रखना है तो हम थ्री लिख के इंटर कर देंगे और इस फार्मूले को नीचे तक दोबारा कॉपी कर देंगे। तो अभी आप ये देखेंगे हमारे पास ये जो क्रॉस सेक्शन की पी लाइन की कमांड आई थी उसके अंदर ये पूरा इधर नीचे तक ये पेस्ट हो गया। इसके बाद ये आगे देख रहे हैं कोऑर्डिनेट लाइन है, ये हमारा पी लाइन थी क्रॉस सेक्शंस के लिए। हमने ये इस डेटे को इधर से कॉपी करना है और पी लाइन लगा देनी है क्रॉस सेक्शन के ऊपर। ये कोऑर्डिनेटरी लाइन है, ये डेटे को हमने चेक करना है कि जब आप क्रॉस सेक्शन के ऊपर बना रहे होते हैं तो इसका डेटे के लिए कोऑर्डिनेटरी लाइन भी लगती है। कोऑर्डिनेटरी लाइन हमारी 90 को इधर शो करेगी कि जो क्रॉस सेक्शन आउट होएगा उसके ऊपर हमें इधर पता चल जाएगा। तो आपने इक्वल टू लेना है इस चिंग की वैल्यू, वही फार्मूला एंड लगाना है, डबल कामा सिंगल कामा डबल कामा एंड, और उसके बाद नॉर्थिंग की वैल्यू इंटर कर देना है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद नीचे दोबारा आपने सेम टू सेम वही पहले वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद एंड डबल कामा सिंगल कामा डबल कामा एंड लगाने के बाद वाई वैल्यू इसकी आपने सेलेक्ट कर देनी है और इसको नीचे तक आपने पेस्ट कर देना है। तो ये हमारे पास ये सेगमेंट हमारे पास इधर पूरा क्रॉस सेक्शन का कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया, उसके बाद एलिवेशन हमारे पास ऑलरेडी थे, एलिवेशन के अंदर हमने कोई चेंजिंग नहीं की। उसके बाद पी लाइन क्रॉस सेक्शन के लिए लगा दी और इधर कोऑर्डिनेटेड लाइन लगा दी। ये कोऑर्डिनेटेड लाइन को हम इधर से कॉपी करते हैं और अपना जो हमने शुरू में अपना प्लान बनाया था ये इसके ऊपर हमने इधर पी लाइन की कमांड लेते हैं, पी लाइन की कमांड लेनी है और इसको हमने इधर पेस्ट करना है। पेस्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे पूरी लाइन हमारी इधर ये लग जाएगी। तो इसका मतलब ये पूरा क्रॉस सेक्शन हमारे पास जो आ रहे हैं तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन की लाइन है, इसके हम आगे क्रॉस सेक्शन शुरू करते हैं तो उसके ऊपर हम बनाएंगे। तो इधर आगे आ जाते हैं, ये हमारे पास डिज़ाइन सेक्शन है। आर डी हमारे पास वही मैंने आपको बताया था कि आपने जैसे 0-0 करके आर डी को आपने यही वाली आर डी को आपने इधर लगा देना है। आर डी को लगाने के बाद आप ये आपने अपना क्रॉस सेक्शन को ओपन कर लेना है। जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन था ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, इसको मैं जैसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास सेंटर लाइन से लेके ये हमारे पास सेंटर लाइन जा रही है। जो हमारे पास आउट मोस्ट पॉइंट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 15.150 राइट साइड, ये हमारे लेफ्ट साइड पे 15.150 विर्थ है हमारी और राइट साइड के ऊपर भी 15.150। आपके पास जितनी क्रॉस सेक्शन की विर्थ होगी आपने उसके हिसाब से इसको कर लेना है। तो इसके बाद हमारे पास स्लोप जा रही थी 1.5 की, ये हमने स्लोप्स वगैरह इधर हमने शुरू में आपको याद होगा लगा दी थी। टोटल विर्थ भी हमने लिख दी थी, पेवमेंट के स्लोप भी और साइड स्लोप भी। साइड स्लोप का मैंने आपको बताया था कि साइड स्लोप जो हमारे पास ये जा रही होती है, जो एम्बैकमेंट की स्लोप जा रही होती है वो हमारी साइड स्लोप कराती है और ये हमारी पेवमेंट की स्लोप कराती है। तो ये दोनों तीनों चीज़ें हमने इस अपने सेक्शन के ऊपर इधर हमने ऐड कर दी थी। 30 पॉइंट हमारे पास विड्थ था, पेवमेंट स्लोप 1.5% थी और इसी तरह साइड स्लोप जो थी हमारे पास 2% थी। इसके हिसाब से अभी हमने इस डेटे को इधर इसको बनाना है। ये डेटा आप ये देख रहे हैं मैंने पहलाना बनाया हुआ था, इसको मैं इधर से ख़त्म कर देता हूँ। इस डेटे को मैंने ख़त्म कर देना, नया डेटा बिल्कुल मैं आपके सामने इधर बनाऊँगा। तो इधर से सबसे पहले ये आपने सेल इसके देख लेना है कि इधर सेक्शन हम कितने बनाना चाहते हैं। हमारे पास हम इसका 30 मीटर विड्थ है तो मैं इधर दो सेक्शन इधर इसके ऐड कर दूंगा। उसके बाद तीसरा हमारा जो होगा वो टॉप पॉइंट का होएगा। टॉप पॉइंट के बाद हमारे पास ये आउट मोस्ट पॉइंट रोड का पॉइंट होएगा और उसके बाद इधर ये हमारे पास रोड का पॉइंट होएगा और ये हमारा सेंटर का पॉइंट होएगा। तो इधर ये सेंटर का पॉइंट आएगा, इसको भी हमने इसी तरह बनाना है। तो आपने इधर डिस्टेंस वाले कॉलम के ऊपर आ जाना है, आपने इधर से 0 इंटर कर देना है। ये हमारा सेंटर लाइन का एलिवेशन होएगा। उसके बाद आपने इधर थर्ड नंबर के ऊपर आपने इधर से इज इक्वल टू करना है और कंक्लूशन शीट के ऊपर आ जाना है। ये हमारे पास 30 हमारे पास पॉइंट आ रहा था 30.00 का, आपने इधर से 30.00 के ऊपर से डबल कॉलम सेलेक्ट हुए हैं क्योंकि इधर मैंने डबल कॉलम्स को मर्ज किया हुआ था। तो आपने इधर से L7 एक कॉलम को ख़त्म करना है और इधर से आपने डिवाइडेड बाई
टू कर देना है, डिवाइडेड बाय टू इधर आपको ऊपर नज़र आ रहा है, आपने इसके बाद इंटर करना है, तो ये हमारे पास इधर डिस्टेंस आ जाएगा 15.50 हमारी एक साइड के कैरिज वे का, जो हमारे पास ये एलिवेशन आया था 15.150 इधर बिल्कुल मोस्ट एज पॉइंट, तो ये हमारे पास इधर उसका डिस्टेंस आ जाएगा। आप दरमियान में एक डिस्टेंस का और ऐड करना चाहते हैं तो आप इजिकल टू कर लें और इसको आपने डिवाइड करके डिवाइड बाई टू कर सकते हैं, तो 7.575 के ऊपर भी एक आपका एलिवेशन इधर आ जाएगा। तो ये मैं आपको इधर बना देता हूँ उसके, इसी तरीके से आपने इधर से इसको इजिकल टू करना है और ये वाला डिस्टेंस आपने इधर नीचे लगा देना है और ये वाला डिस्टेंस को आपने इधर नीचे लगा देना है। तो अभी आपने लगा दी ये डिस्टेंस, इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये ऊपर हमारे पास जो है ये लेफ्ट साइड है और नीचे हमारे पास इधर ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड के लिए आपने इधर आना है, इसको डबल क्लिक करना है और इधर आपने माइनस का साइन इधर लगा देना, ये माइनस का साइन लगाएंगे तो इधर लग जाएगा, नीचे भी आ जाएगा, नीचे आपने आना है और इधर ABS एब्सोल्यूट की आपने कमांड लेनी है, एब्सोल्यूट की कमांड लेके उसकी ब्रैकेट को दूसरी साइड पे आपने क्लोज कर देना है, तो राइट साइड के ऊपर जो आपका माइनस का साइन आ रहा होगा वो आपने ख़त्म कर देना है। इसी तरीके से ABS आपने इधर ब्रैकेट लगा देनी है और इधर ब्रैकेट को आपने क्लोज कर देना, तो ये माइनस का साइन आपने इधर से ख़त्म कर देना है, लेफ्ट साइड के ऊपर वहाँ पर रहेगा, राइट साइड के ऊपर हमने इसको इधर ख़त्म कर देना है। उसके बाद ये ऊपर एक कॉलम हमारे पास दोनों इधर साइडों के ऊपर रह गया, इधर हमने ये जो हमने साइड स्लोप बनाई थी इसकी, ये 2% की साइड स्लोप ये जो आपको नज़र आ रही थी सेक्शंस के ऊपर, जो भी आपके पास सेक्शन के ऊपर स्लोप होगी इसके ऊपर हमने थोड़ा सा पॉइंट को नीचे लेकर आना है। जब हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो इस लाइन को हम एक ही दफ़ा एक्सटेंड कर लें, हमें क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये उधर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इस लाइन को हम इधर इसी के हिसाब से कैलकुलेशन को कर देंगे। तो आपने इधर एक्सेल के ऊपर आ जाना, ये 2 नंबर की हमारी इधर साइड स्लोप का हमारे पास टेबल था, तो आपने कैलकुलेशन शीट के ऊपर आना है और इधर से इजिकल टू लेना है इस, तो इस स्लोप को आपने इधर से सिलेक्ट करना है, इजिकल टू करने के बाद माइनस का साइन लगाना है, हमारी लेफ्ट साइड है माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस की आपने साइड लगानी है। इधर मैंने आपको कहा था आप इसके साथ कोई साइन नहीं लगाना, तो ये 2% की स्लोप थी, आपने इसके साथ 2% ही लिखना है, 1 × 2 की स्लोप है, आपने 2 लिखना है, इसको सिलेक्ट करने के बाद इंटर कर देना, तो आप देखेंगे 17.15 हमारे पास ऊपर का डिस्टेंस आ गया। इसी तरीके से आपने ABS एब्सोल्यूट की कमांड लेनी है और ये डिस्टेंस को आपने राइट साइड के ऊपर दोबारा इधर लगा देना है, ABS आपने इधर इजिकल टू करके लगाना है, आपने इधर इजिकल टू करके ABS ये नीचे वाली एब्सोल्यूट की कमांड आ रही है सिलेक्ट करना है और इस वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे लेफ्ट साइड तक जो हमारी टॉप पॉइंट जा रहा था उधर तक हमने इसको कैलकुलेट कर लिया एलिवेशंस के लिए। तो एलिवेशन के लिए हमने इधर एलिवेशन को ऑटोमेटिकली उठाना है, ये जो शीट जा रही है हमारी डिज़ाइन शीट, ये जो एलिवेशन जो हमने बनाए हैं इसको आपने इधर सेलेक्ट करने के बाद एंड तक सेलेक्ट करने के बाद आपने इसका डिफाइन नेम कर देना है, मैंने किया हुआ है ऑलरेडी XYZ, आपने इसी तरीके से इसका डिफाइन नेम कर देना है। मैंने इसका डिफाइन नेम आपको बता देता हूँ, मैं ये हमारे पास डिज़ाइन डेटा आ रहा है, आप ये डिज़ाइन डेटा दे सकते हो, तो ये सारा कुछ इधर से शुरू से लेके नीचे तक सेलेक्ट है, तो कॉलम हमारे पास आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, तो एलिवेशन का कॉलम है हमारे पास 4 का, वो जिस तरह हमने इधर वी लुकअप के जरिए लगाया था इस एलिवेशन को भी हमने उधर वी लुकअप के जरिए लगाना है। आप वी लुकअप के जरिए भी लगा सकते हैं और मैनुअल भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, तो मैं इधर वी लुकअप के जरिए लगाऊंगा, आपने वी टाइप करके वी लुकअप कर देना है, ऊपर से ये वाली RD जो आपकी आ रही है आपने RD को सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपने कॉमा लगा देना है, उधर से आपने डिज़ाइन जो जिस नाम पर भी आपने डिज़ाइन बनाया हुआ है तो आपने उसका DES तो ये डिज़ाइन डेटा हमारे पास आ जाएगा, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाना है और 4 नंबर का टेबल आ रहा था कॉमा उसके बाद 0, उधर से आपने ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देना, तो ये हमारे पास इस RD का 00 RD का एलिवेशन आ जाएगा, FRL जो फिनिश रोड लेवल होएगा 218.15, तो ये हमारे पास आ रहा है 218.15, ये एलिवेशन हमारे पास इधर आ जाएगा। इधर से ऊपर से आप RD इस जगह के ऊपर आप जो भी RD चेंज करेंगे इधर से ऑटोमेटिकली ये लेवल आपका चेंज हो जाएगा, आपने लेवल्स को एक ही दफ़ा लिखना है इधर, तो इसी तरह आप इसके बाद ये हमने इधर डिस्टेंस बना दिए थे ये लेफ्ट साइड के और ये नीचे राइट साइड के, आपने इधर नीचे आना है, इजिकल टू करना है, सेंटर के लेवल को सिलेक्ट करना है, प्लस का साइन लगाना है, ब्रैकेट ले लेनी है, इधर से आपने ये डिस्टेंस जो है इसको आपने सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, कैलकुलेशन शीट के ऊपर आना है और ये जो हमारे पास स्लोप जा रही थी इस स्लोप को आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है। स्लोप को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आपने इसी तरीके से ब्रैकेट को इसको क्लोज कर देना है और डिवाइडेड बाई 100 कर देना है, इंटर कर देंगे तो ये हमारे पास इसका एलिवेशन आ जाएगा। इसकी स्लोप के हिसाब से ये जो स्लोप हमारे पास हमने 1.5% की लगाई थी तो 1.5% के हिसाब से
इसका एलिवेशन आ जाएगा। नीचे आ जाएं आप दोबारा, इसी तरीके से आपने इस लेवल का एलिवेशन को सिलेक्ट करना है, प्लस करना है, ब्रैकेट लगानी है, ये डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय, आपने कैलकुलेशन शीट के ऊपर आना है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और इधर से आपने इसके ब्रैकेट को क्लोज करके डिवाइडेड बाई 100 आपने इधर से इसको कर देना है। तो ये हमारे पास सेकंड लेवल आ जाएगा इसका, दोनों पॉइंट्स का। इधर आप ये देख रहे हैं कि लेवल इधर हमारे पास आ गए। इधर इसी तरह आपने इक्वल टू करना है और इस एलिवेशन को आपने इधर ऊपर लगा देना है, इक्वल टू करना है, और इधर माइनस के ऊपर भी आपने यही एलिवेशन इसी तरह लगा देना है। तो ये आपने कैलकुलेशन को इस तरह कर लेनी है, उसके बाद आपने इधर से इक्वल टू करना है और इस एलिवेशन को सिलेक्ट करना है और इधर से -1 कर देना है। -1 आपने किस लिए करना है, इधर हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है 2:1 की स्लोप के हिसाब से आ रहा है, 2:1 की स्लोप, हमारे पास ये स्लोप थी 2 हॉरिजॉन्टल थी 1 वर्टिकल, तो 2 हमने इधर लिख दिया है। जो भी हमारी स्लोप जा रही होती है वो 1 वर्टिकल के हिसाब से होती है, 1 × 1.5, 1 × 2, 1 × 3.5, 2:1 या 2:2 की बहुत स्लोप कटिंग के ऊपर आती है। तो हमारे पास ये फिलिंग वाला सेक्शन है, तो हमने इधर इसके अंदर इधर 1 माइनस इसके अंदर से कर देना, तो ये हमारे पास इसका एलिवेशन आ जाएगा। तो आपने इधर एंटर करना है, ये एलिवेशन हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से आपने नीचे आना है और इस एलिवेशन में से -1 आपने एंटर कर देना है। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास इधर भी इसके ये टॉप पॉइंट्स के भी दोनों साइडों के ऊपर पॉइंट्स बन गए। इसके बाद आपने इसी तरह इक्वल टू करना है, वजह से आपने डिस्टेंस एंड लगाना है, डबल कामा, सिंगल कामा, डबल कामा, उसके बाद एंड, और जैसे आपने एलिवेशन को सिलेक्ट करके इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपने इसको एंड तक इधर तक बना देना है। तो ये भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास इधर डिज़ाइन सेक्शन भी हमने बना दिया अपना, और पी लाइन के हिसाब से क्रॉस सेक्शन को, उसके एलिवेशन को भी हमने बना दिए। तो अभी आपने इधर से इस डेटे को इधर से कॉपी करना है, इस 0:0 क्रॉस सेक्शन का। कॉपी करने के बाद आपने ऑटो कैड को अपना ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद न्यू विंडो के ऊपर आपने आना है, इधर से न्यू विंडो के ऊपर आ जाएंगे। आपने इधर से सबसे पहले लिप्स कमांड को अपनी लोड करना है। लिप्स कमांड हमारे पास एपी लोड आ जाएगी, एपी शार्ट की है उसकी, आपने इसको क्लिक करना है। तो ये आपके सामने डायलॉग बॉक्स लोड अनलोड एप्लीकेशन का आ जाएगा। आपने इधर से ब्रीफ केस के ऊपर आ जाना है। तो इधर आपने ये 3 कमांड्स मैंने लोड की हुई है, ये इधर इसके सामने जो मैंने आपको बताई थी, इधर डेस्कटॉप के ऊपर ये फोल्डर के अंदर मैं रख दूंगा, आप इधर से इसको इधर से ले सकते हैं। तो क्रॉस सेक्शन के ऊपर आते हैं, तो ऑटो लिप्स, ये तीनों एरिया लैब, सीडी और पीआरएल की कमांड्स मैंने इधर लोड की हुई है, आप भी इसको इधर से लोड कर लें। इसके बाद लोड करने के बाद आपने इधर आना है और इधर से पी लाइन की कमांड लेनी है। पी लाइन की कमांड लेने से पहले आपने इधर इसकी लेयर्स लाजमी बनानी है। लेयर्स के लिए आपने इधर से क्लिक कर लें, जो जो से भी लेयर आपकी बनेगी आपने लेयर बना दें। मैं इसका जनरल फॉर्मेट के ऊपर काम करूंगा इधर से, ताकि मेरा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। जैसे आपने इसका कलर्स वगैरह भी लेयर्स के अंदर लगा देना है, उधर से आपने इसकी जो लाइन आएगी उसकी लाइन को भी आपने इधर से लोड करके, और इधर से जो आपकी डॉटेड लाइन जा रही है ये लाइन को आपने इधर से लोड कर लेना है। और इधर से आपने सबसे पहले आके इस लाइन को सिलेक्ट कर लेना है, पहले नंबर के ऊपर लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। लेयर में एक बना देता हूँ आपको, इधर चले थोड़ा सा टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा। तो आपने इधर से लेयर कमांड लेनी है। सबसे पहले आपने NSL की लाइन को आपने इधर से कर लेना है, और इधर से आपने इसकी विड्थ वगैरह आप जो भी करना चाहते हैं, आप इसकी लाइन की विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं, और इधर से इसकी टाइप कर सकते हैं। तो टाइप हमने डॉटेड कर दी है, इधर से आपने लेयर बना देनी है। सेकंड दूसरी लेयर आपने बना देनी है, आपने इसकी FRL की या आप PGL की लेयर, जो भी आप इसका नाम देना चाहते हैं। आप इसका कलर्स वगैरह भी इधर से चेंज कर सकते हैं। लाइन हमारी इधर कंटिन्यूस रहेगी, इधर का लैंड को हमने इधर से चेंज कर देना है। कंटिन्यूस जो NSL लैंड होगी हमारी, वो हमारी डॉटेड में होगी, और जो हमारी लैन आएगी FRL की टॉप की डिज़ाइन की लैन, तो वो हमारी कंटिन्यूस की लैन आएगी। इसी तरीके से नीचे आपने इधर NSL डेटा आप उसकी लेयर बना सकते हैं, उसका कलर्स वगैरह भी आप इसमें से जो भी आप रखना चाहते हैं आप इसका कलर रख सकते हैं। जो 3 किस्म की मैंने लेयर बना दी है इधर, तो सबसे पहले आपने आना है और इधर से आपने NSL के लेयर को इधर से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इधर पॉली लाइन लगानी है, PL उसकी शॉर्ट की है, और इधर से ये जो डेटा हमने कॉपी किया हुआ है, इस डेटा को आपने इधर कमांड बार पे आना है और इधर हमने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे तो ये देखेंगे हमारे पास इधर आ गए, हमने जूम एक्सटेंड जेड इंटर ई इंटर कर देना है, तो ये हमारे पास NSL की लाइन इधर आ जाएगी। इसी तरीके से आपने दोबारा इसके ऊपर आ जाना है, इस डेटे के ऊपर, ये जो हमने बनाया था इस डेटे को आपने इसी तरीके से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो डिज़ाइन हमारे पास डिज़ाइन डेटा था, इस डेटे को आपने कॉपी कर लेना है। इधर ऑटो कैड के ऊपर आना है और ऊपर से आपने FRL या जो डिज़ाइन लाइन थी आपने इसको इधर से क्लिक करना है, और पॉली लाइन की कमांड ले लेनी है,
और आपने इधर इसकी कमांड को इधर लगा देना। तो अभी आप ये देखेंगे कि हमारे पास जो हमने इधर स्लोप इसकी बनाई थी 1:1 की, वो इधर सारी उसके साथ ही आ गया। इधर से आपने जस्ट इसको एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड करेंगे तो ये आपकी टोक समेत ये आपका सेक्शन टॉप वाला बन जाएगा। तो इधर से इसकी स्लोप को मैं आपको चेक करा देता हूँ। पॉली लाइन की कमांड लेनी है, 2:1 की स्लोप है, तो आपने इधर से F8 प्रेस करके सेट कर देना है 2, और उसके बाद 1 करना है और C प्रेस कर देना। तो आप देखेंगे हमारी स्लोप इधर से सेम टू सेम वही बन गई दोनों साइडों के ऊपर। इधर से अभी आप हम आते हैं, ये हमने बनाया हुआ था 1:2 की स्लोप से, हमारे पास स्लोप आती है इधर 1.5 हॉरिजॉन्टल स्लोप। ये जो हमारे पास स्लोप है हॉरिजॉन्टल स्लोप, ये 1.5 की आती है। तो आप इधर से 1.5 करेंगे चेंज, तो हमारे पास इधर डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप इसको इधर से कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद आप ऑटो कैड के ऊपर आके इसको इसकी लेयर कलर में थोड़ा चेंज करता हूँ। पॉली लाइन इधर लेंगे तो अभी हम आप देखेंगे कि इसकी इधर से स्लोप चेंज हो जाएगी। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि 1:5 की हमने स्लोप लगाई है, तो 1:5 के स्लोप के हिसाब से ऑलरेडी हमारा डेटा स्लोप इधर चेंज होगी। जस्ट हमने उसको NSL तक एक्सटेंड करना होगा। इसी तरीके से जो सी भी आपके पास इधर स्लोप आ रही है, 3 की स्लोप आ रही है आपके पास, तो 3 की स्लोप के हिसाब से भी ये कैलकुलेशन इसकी इसी तरीके से हो जाएगी। आपने दोबारा इस डेटे को जस्ट इधर से फिर कॉपी करना है। वो जो ऊपर हमने जो आपको दी हैं चीज़ें हैं कि भाई आपने चीज़ ऐड कर दें, तो ये इस चीज़ों का मकसद यही है कि हमारा पास जो क्रॉस सेक्शन हम बनाते हैं तो हमारे पास कम से कम वर्किंग मौके के ऊपर करनी पड़े। तो ये 3:1 की स्लोप लगाएंगे तो आप ये देखेंगे स्लोप इसकी बाहर निकल गई है, तो आपने जस्ट इसको एक्सटेंड कर देना अपने NSL तक। तो ये आप इसके स्लोप्स वगैरह जो थे और जो डिज़ाइन लेवल था उसकी कैलकुलेशन को मैंने मुतलिक आपको बता दिया। आपने इधर जस्ट स्लोप लिखनी है, इधर मैं 2 की स्लोप मेरे पास है तो मैंने इधर 2 की स्लोप ही लिखनी है। तो 2 की स्लोप के हिसाब से हमारे पास ये रेड लाइन इधर लगी हुई थी, रेड लाइन को हमने इधर रहने देना है। तो ये हमारे पास पूरा सेक्शन इधर हमारा तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमने इसके ऊपर जो डिज़ाइन सेक्शन हमारे पास आ रहा है, इसके ऊपर जो हमारा सब ग्रेड वाटर बाउंड वगैरह लगाना चाहते हैं आप सारा कुछ लगा दें। आप सारा कुछ नहीं भी लगाना चाहते तो आप नीचे टॉप ऑफ सब ग्रेड की लाइन लगा दें, जो सब बेस का हमारा बॉटम होता है वो लाइन लगा दें, उसके ऊपर हमारा डिज़ाइन स्ट्रक्चर और होता है। अगर आप सारी लेंस भी लगाना चाहते हैं तो आप सारी लेंस को भी इधर लगा सकते हैं। इसको एक्सक्लूड कर दें इस लाइन को, ये हमारे पास लाइन आ जाएगी इधर। इसी तरीके से 2 हमने लेंस बनाई थी, आप इन दोनों सारी लेंस को आपने इधर से दोबारा ज्वाइन कर लेना है, इसको साइड स्लोप को आपने छोड़ देना है। उसके बाद हमारे पास स्लोप आ रही है 0.05 एस्फाल्ट की, आपने उसको ऑफसेट लेके नीचे लगा देना है। इसी तरह हमारे पास वाटर एस्फाल्टिक बेस कोर्स है 0.15 सेंटीमीटर की, वो आपने इधर इसका ऑफसेट नीचे लगा देना है। सब बेस है हमारे पास 0.25, वाटर बाउंड हमारे पास 0.30 सेंटीमीटर का, आपने 30 सेंटीमीटर इधर से उसका लगा देना है। और उसके बाद हमारे पास जो सब बेस है वो है 0.25 का, तो आपने इधर से 0.25 की लाइन लगा देनी है, और इन लाइंस को आपने इधर से एक्सटेंड कर देना है अपनी टो पॉइंट तक। जो भी आपका ऊपर स्ट्रक्चर आ रहा है जिस हिसाब में भी, आपने उसके हिसाब से इन लाइंस को उधर तक एक्सटेंड कर देनी है। तो ये आपका सेक्शन इसी तरीके से जो कोऑर्डिनेट्स डेटे के ऊपर आपका सेक्शन आ रहा होगा, तो ये सेक्शन बन जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन इधर ये कंप्लीट हो गया। सेक्शन ऊपर आप इसकी टेक्स्ट के जरिए RD लिख दें, एक टेम्पलेट बना देते हैं 0+00 वाला हमारे पास क्रॉस सेक्शन है। इधर आप इसको लिख दें, टेक्स्ट वगैरह आप इसका इधर से एडजस्ट कर दें 1.25 जितना भी आप रखना चाहते हैं। इसके बाद आपने इसको सेंटर के ऊपर, ये सेंटर लाइन जा रही है इधर, क्लिक कर देना है। ये सेंटर लाइन आप लगाना चाहते हैं तो आपने इधर से इसी तरीके से इसकी NSL की लाइन को सिलेक्ट कर लें, डॉटेड लाइन। आप PL की कमांड लें, 0.0 लिख के आप एंटर कर दें, और इधर से आपने F8 प्रेस कर देना, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो आपने इस लाइन को अपने सेक्शन के ऊपर जितना तक आप लगाना चाहते हैं उस लाइन को लगा दें, और एक्स्ट्रा लाइन जो है उसको नीचे से आपने इधर से ट्रिम कर देना है। तो ये आपके सामने इधर सेंटर लाइन लग जाएगी। इसी तरह ये आप सेक्शन देख रहे हैं कि सेक्शन हमारा बहुत बड़ा आ रहा है NSL। इधर हमारे पास ये सेक्शन जो डिज़ाइन है वो छोटा सा, इसके साथ हमारे और भी सर्विस रोड्स वगैरह जा रही थी इसलिए इसके NSL ज़्यादा हैं। तो आपने इधर से रेक्टेंगुलर की कमांड लेनी है, और अपना एक इधर आपने टेम्पलेट इसकी ड्रा कर लेनी है। टेम्पलेट को आप ड्रा करने के बाद इसकी लाइंस को मैं इधर से चेंज कर देता हूँ, डॉटेड है कंटिन्यूस। आप इसका कलर्स वगैरह जो भी इधर से चूज़ करना चाहते हैं कलर आप चूज़ कर दें। जो एक्स्ट्रा लाइन जा रही है आपने उसको इधर से ट्रिम कर देना है। इसी तरीके से जो एक्स्ट्रा लाइन जा रही है आपने इसको इधर से ट्रिम कर देना है। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन
दरम्यान में आ जाएगा। इधर से आपने इसी तरीके से नीचे नीचे अपनी आप टेम्पलेट लगा लें प्रोजेक्ट की। उसके बाद आपने एक लाइन लगा देनी है इधर नीचे टेम्पलेट के बाद, आप एक लाइन इधर लगा दें, उसी तरीके से उस लाइन का ऑफसेट ले लें। ये हमारे पास डिस्टेंस और एलिवेशन की लाइन आ जाएगी। दरमियान में आपने इसकी एक लाइन इधर और लगा देनी है। तो ये हमारे पास नीचे इसका डिस्टेंस आ जाएगा, ऊपर इसका हमारे पास इसका एलिवेशन आ जाएगा। तो आपने इसी तरीके से इधर से टेम्पलेट को मैं थोड़ा सा इसके जो हमने रेक्टेंगुलर लगाया इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इधर से इसी तरीके से। ये आप देख रहे हैं तो इधर से हम उसका प्रिंट के हिसाब से आपने इसका बना देना है। तो ये हमारे पास इसकी टेम्पलेट इधर बन जाएगी। आपने एक रेक्टेंगुलर की कमांड और ले लेनी है, और ये जो हमारे पास डिस्टेंस और एलिवेशन का था इसको आपने इधर से इसका कर देना है, इसको रेक्टेंगुलर बना देनी है, और इसके दरमियान में इसके कलर्स वगैरह भी जो भी आप इसको देना चाहते हैं दे दें। उसके बाद आपने ये एनएसएल इधर ड्रा करने हैं। आपने पी आर की मेरी लिप्स कमांड जो हमने लोड की थी उसको आप इधर से क्लिक करें, एनएसएल को क्लिक करें, और इधर से आपने जस्ट सेंट इसके दोनों पॉइंट्स को इधर से क्लिक कर देना। तो ये आप देखेंगे हमारे पास इधर इसके एनएसएल इधर हमारे ड्रा हो जाएंगे। इसी तरीके से आपने ऊपर इसके टॉप लेवल लगाना चाहते हैं तो मैंने इसके शॉर्ट की सीडी जो मेरे पास है तो वो मैंने लगाई है। तो इधर से आपने इसको एफेड लगा के तो आप ऊपर से इसका डिस्टेंस और एलिवेशन वगैरह इधर लगा सकते हैं। डिस्टेंस और एलिवेशन के लिए तो इसका डिस्टेंस वगैरह आप सेलेक्ट कर रहे हैं, डायमेंशन में चले जाएँ, मॉडिफाई में जो से कलर लेन सेलेक्ट है इधर से आप इसका डिफ़ॉल्ट कलर चेंज कर दें 0.45 कर दें। इधर से आपने एरोस के अंदर आ जाना है और एरो का साइज़ भी आपने इसी तरीके से 0.45 उधर कर देना है। मार्कर जो है आपने उसका भी कलर 0.25 में इधर से कर देता हूँ। तो ये आपने करके इधर से ओके करना है, इसको सेट क्लियर सेट करेंट करके क्लियर कर देना है। तो इधर से आपने इसको इन पॉइंट्स को दोबारा ख़त्म कर देना है और इधर से आना है, दोबारा कमांड लेनी है सीडी की, और इधर से आपने जस्ट इधर से क्लिक करना है। तो ये आपका डिस्टेंस और एलिवेशन इधर आपके लगते जाएंगे जो जो से फॉर्मेट के ऊपर जिस तरह भी आप इसको लगाना चाहते हैं आप इसको लगा सकते हैं। इसकी डायमेंशन स्टाइल के अंदर जाके इन पॉइंट्स की सेटिंग्स वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं। डी आप प्रेस करेंगे, डी इसकी शॉर्ट की है, डायमेंशन स्टाइल की आप मॉडिफाई के ऊपर आ जाएँ, और इधर से आपने इनके जो एरो का साइज़ और इसके कलर्स वगैरह हैं वो सारा कुछ आप इधर से चेंज कर सकते हैं। इसका टेक्स्ट लाइन्स में आएंगे तो इसकी लाइंस आ जाएंगी, स्पेसिंग है आप स्पेसिंग भी अपनी उसी हिसाब में इसकी सेटिंग कर लें जिस तरीके से आप जनरल आपके काम होते हैं। आपने एरोज एंड सैम्बल के अंदर इसका कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, इसके टेक्स्ट की डायमेंशंस की स्टाइल वगैरह और इसके प्राइमरी यूनिट्स वगैरह डेसीमेल भी आप कितना लेना चाहते हैं वो आप इधर से इसका चेंज कर सकते हैं। करने के बाद सेट करंट कर दें तो ये आपके पास उसकी सेटिंग हो जाएगी। तो इसके बाद आप ये देख रहे हैं लाइन हमारे पास इधर डॉटेड हमने सेलेक्ट की थी आई नहीं है। आपने जैसे प्रॉपर्टीज़ के अंदर पी आर की शॉर्ट की है, आपने प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है, और जैसे लाइन टाइप जो स्केल जा रहा है आपने इसको थोड़ा सा इधर से कम कर देना है। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जितनी भी आपका सेक्शन बन रहा है उसके हिसाब से आप इसकी लेंस को इधर एडजस्ट कर सकते हैं, और उसको मैच प्रॉपर्टी के ज़रिए आपने इधर जो हमारे पास सेंटर लाइन जा रही थी उसको भी आप इधर से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका सेक्शन इधर बन जाएगा। इधर इसी तरीके से आपने इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए आपने इसको दरमियान वाली लाइन को ट्रिम कर देना है। तो ये हमारा टू पॉइंट के दरमियान वाला एरिया होएगा, उसको आपने एरिया निकालना है। क्यू कि जो लिप्स कमांड हमने इधर इसके ऊपर लोड की है क्यू आप इंटर करके करेंगे तो आपने इधर से आप जिधर भी आपका जो भी एरिया आपने निकालना है उसके इन साइड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इधर से आपने इसकी बाउंड्री को बाहर प्लेस कर देना है, और जिधर आपने अपनी टेम्पलेट बनाई हुई है उधर आपने लिख देना। तो ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा, फिल एरिया जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन का आ रहा होता है ये हमारा इधर आ जाएगा। तो आप इसके लिए टेम्पलेट एक बना लें, अपना जो भी क्रॉस सेक्शन आप बनाएंगे आपने इधर उसके ऊपर टेम्पलेट बना देनी है, इसकी सेटिंग्स वगैरह कर लेनी है, और सेटिंग्स करने के बाद इसको आपने सेव सेव एस करते जाना है क्रॉस सेक्शन को, और आगे इसकी वर्किंग हमारी होती जाएगी। तो जिस तरह हमारे पास ये पहला क्रॉस सेक्शन इधर हमने कंप्लीट कर लिया, इसका आपने कंट्रोल शिफ्ट एस करना है, अपने जिधर आपने रखना है इधर पहले क्रॉस सेक्शन का आप इस 00 का नाम दे दें इसका, ये जो हमारे पास 00 है। उसके बाद आपने दोबारा जब आपने नया क्रॉस सेक्शन को इधर स्टार्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एस कर देंगे, और इधर हमने 0+0.50 जो वाला क्रॉस सेक्शन है वो हमने इधर लेकर आना है, और सबसे पहले हमने इधर से अपनी क्रॉस सेक्शन वाली आरडी को चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद ये एलिवेशंस वगैरह जो हैं ये इसको भी आपने इधर से ख़त्म कर देने, और आपने इधर से इसके अंदर एनएसएल लाइन को भी इधर से ख़त्म कर देना। ये टेम्पलेट आप बनी रहने दें,
इसका ब्लॉक बना के आप एक साइड के ऊपर रहते हैं, और इधर से इसी तरीके से ये जो नीचे भी एलिवेशन लगाए हैं इसको भी आपने इधर से ख़त्म कर देने हैं। ये जो एलिवेशन हमारे पास नीचे आ रहे हैं आपने इसको भी इसी तरीके से सिलेक्ट करना है, और जैसे जो भी एलिवेशन आपके आ रहे हैं उसको सिलेक्ट अगली आईडी के ऊपर आपने जाना है, ख़त्म कर देना है, एरिया को भी ख़त्म कर देना है। इस ये जो चीज़ आप हमने बनाई है कि इसके अंदर से आप बेशक टॉप पॉइंट को जैसे ख़त्म कर दें, इसको ट्रिम कर दें नीचे वाले पॉइंट को जो हमारे पास एक्स्ट्रा जा रहे हैं, ये टेम्पलेट हमारे पास बन जाएगी। आपने इसको जैसे ब्लॉक बना देना है ब्लॉक, और इसको ब्लॉक बनाने के बाद आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सेक्शन ए ए का जो हमारे पास ब्लॉक है, तो हमने इधर से इसकी लेंस को इसको सिलेक्ट करके उसका ब्लॉक बना देना है। ब्लॉक बनाने के बाद ओके कर दें, उसको अपने सेक्शन के ऊपर एक साइड के ऊपर आप इधर रख दें, इसको आप मूव करा लें इसकी सेंटर लाइन के हिसाब से भी। इस सेक्शन को आप इधर मूव करा के इधर साइड के ऊपर रख दें, तब ये सेक्शन हमारे पास टेम्पलेट नीचे आपकी बनी होगी। आपने जो भी टेम्पलेट लगानी है इसके अंदर आप बना दें पहले सेक्शन के ऊपर ही। बनाने के बाद आपने एरिया जो लिखने हैं वो भी आपने सारे लिख देना है, उसके बाद आपने सेव एज करते जाना है। ये टेम्पलेट हमने कॉपी कर ली है, आगे आपने दोबारा इधर क्लास सेक्शन वाले शीट के ऊपर आ जाना। अभी हमने एक बना लिया था, इस डेटे को हमने इधर से कॉपी करना है, कॉपी करना है और इधर नीचे आ जाना है, उधर डिस्टेंस वाले साइड के ऊपर हमने इसको आके इधर पेस्ट कर देना है। अब ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास, आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो सेंटर लाइन वाला डेटा वो सिलेक्ट कर रहा है, तो वो हमारे पास इधर ऊपर वाला डेटा ही सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने इसको लॉक कर दिया था ये डॉलर साइन के ज़रिए। तो आपने इधर से इस डेटे को इधर से दोबारा बैक पे आना है, और इधर से इसकी स्ट्रिंग इस कॉलम को आपने लॉक F4 का प्रेस करके लॉक कर देना है, और इसी तरीके से इसकी स्ट्रिंग वाले कॉलम को भी आपने इधर से सिलेक्ट करके और जस्ट इधर से F4 प्रेस कर देना है। तो ये आपका इस लाइन के हिसाब से हो जाएगा। आप देखेंगे ये सेंटर लाइन हमारी इधर आ गई, इसको हाईलाइट भी मैंने किया था। इसी तरीके से आपने नीचे दोबारा आना है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। आप इधर से जस्ट ये आपका बना हुआ है, तो आपने हमारे देख रहे हैं कि हमारे पास ई कॉलम है, तो ई कॉलम के ऊपर हमारे पास इधर 52 नंबर आ रहा है, तो आपने जस्ट इधर से ई जो हमारे पास 14 आ रहा था इधर आपने इधर से 52 कर देना है, और सेकंड नंबर के ऊपर भी आपके पास डी वाला जो हमारे पास स्ट्रिंग थी उसको भी आपने इधर से 52 कर देना, तो ये ऑटोमेटिकली इधर से सिलेक्ट हो जाएगा। आपने इंटर कर देना है, दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं, आप इसको इधर से जस्ट कॉपी कर देंगे, और इसके अंदर आपने कोई चेंज नहीं करनी। फार्मूला हमने इधर ऊपर बना लिया था, अब इसको हमने चेंज करना है, और सिर्फ इधर से सेंटर लाइन्स को हमने चेंज करना है। इसी तरीके से इस लाइन को आपने कॉपी करना है, और जिधर तक आपका डेटा जा रहा है आपने उधर तक इसको आपने लगा देना है। तो उसमें अभी हमने ये डेटे को इधर से लगा दिया था इधर, तो इधर हमारे पास माइनस का साइन जो था राइट साइड के ऊपर उसको आपने इधर से ख़त्म करना है, और दोबारा इस डेटे को नीचे तक आपने कॉपी कर देना है। ये आपने इसी से ख्याल रखना है। तो ये आपका फॉर्मेट सारा बना हुआ है। कोऑर्डिनेट लाइन को आप सबसे पहले कॉपी करें, कोऑर्डिनेट लाइन को आप कॉपी करके सबसे पहले अपने मेन प्लान के ऊपर आ जाएँ। इधर से इस लाइन को आप इधर ड्रा करके देख लें, ये लाइन आपकी ठीक आ रही है, इस लाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। जैसे ये आपकी लाइन क्लियर है, तो ये आपका डिस्टेंस भी क्लियर है। उसके बाद आपने ये पी लाइन को इधर से कॉपी कर लेना है, इसके NSL को कॉपी करने के बाद ये जो क्रॉस सेक्शन हमने 0+50 वाला बनाया था इसके ऊपर जस्ट नीचे आपने आना है, ऊपर से आपने लेयर सेलेक्ट कर लेनी है, और इधर से आपने डायरेक्ट ऊपर पी लाइन की कमांड लेगी, आपने डायरेक्ट इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने मैच प्रॉपर्टी की कमांड लेके इस लाइन को चेंज कर देना है, जो सेंटर लाइन हमारी लगी हुई थी इसी तरीके से। तो ये हमारे पास लाइन इधर इसकी आ जाएगी, एक्स्ट्रा लाइन्स को आप इधर से ट्रिम कर दें, और इधर से आप PR जो हमारे पास इसकी शॉर्ट की थी NSL की, तो आपने इधर से पॉली लाइन को सिलेक्ट करके और इधर से इसके दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर देना है, तो ये आपका नीचे NSL का डेटा आ जाएगा। इसी तरह आपने ये लाइन आप ब्लॉक हमने बना दिया था, इधर से भी आप ब्लॉक बना सकते हैं, और इधर से भी आपने जस्ट हमने इधर से इस डेटे को कॉपी करना है अभी ये। तो कॉपी करने से पहले हमने इसके ऊपर थोड़ा सा डॉलर साइन के ज़रिए लॉक करना है। तो आपने इधर से ये आप देख रहे हैं कि N22 हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये इधर हमने इस शीट को सिलेक्ट किया था, इधर आपने L7 के साथ आके इधर से F4 प्रेस करके इसका डॉलर साइन लगा देना है। इसी तरीके से M8 के सामने आपने इधर F4 प्रेस करके इधर डॉलर साइन आपने लगा देना है, ये लाजमी आपने लगाने हैं। इसी तरह आपने इधर एलिवेशन के ऊपर आ जाना है, नीचे हमने कैलकुलेशन की थी, कैलकुलेशन शीट के ऊपर जो हमारे पास एलिवेशन आ रहा था इसको आपने इधर से डॉलर साइन आपने इधर इसके साथ लगा देना है। तो ये आपने ये वर्किंग जो हमारे पास है, तो ये आपने इसके साथ ये इसको लॉक ज़रूर करना है लॉक, बाकी हमने ये इसके पास की थी, तो ये आपने डॉलर साइन लगा देना है। डॉलर साइन लगाने के बाद आपने इस डेटे को जैसे कॉपी कर लेना है।
अभी एक दफ़ा ये सेगमेंट हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, जिस तरह ये था आपने जैसे इसको कॉपी करना है और इधर नीचे आ जाना है, इधर इस फॉर्मेट के ऊपर आने के बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है। आप पेस्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इधर हमारे पास आरडी ऑटोमेटिकली इसकी चेंज हो गई, क्योंकि चूंकि हमारे पास आरडी हम इसका रेफरेंस ले रहे हैं, और ये जो एलिवेशन जीरो का था एलिवेशन वो भी ऑटोमेटिकली इधर से चेंज हो गया। हमारे पास एलिवेशन है 218.2465 वाली आरडी का, 218.246 ये एलिवेशन ऑटोमेटिकली इधर से चेंज हो गया, हमने वी लुकअप का फार्मूला लगाया हुआ था। तो इसी तरीके से इन सेक्शंस को आप नीचे तक जिधर तक आप कॉपी करके जस्ट आपने पेस्ट करना है। उसके बाद आपने इधर से पॉली लाइन जो हमारे पास फॉर्मेट बना हुआ है आपने इधर से जस्ट कॉपी करना है और ये क्रॉस सेक्शन के ऊपर आ जाना है। इधर से आपने एफ आर एल की लाइन को सिलेक्ट करना है और इधर आपने आके इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे हमारे पास ये पूरा सेक्शन इसका बन गया। आपने इसको इसी तरह एक्सटेंड कर देना है, जो भी स्लोप आपकी जारी होगी ये सेक्शन आपका मिनिमम हद तक वो बनेगा। उसके बाद आपने ये जो ब्लॉक बनाया हुआ था आपने इसको इसी तरीके से मूव करा देना है, इधर से कॉपी कर लेना है। इस सेक्शन को आपने इस ब्लॉक को जो टेम्पलेट ये बनी होगी इसको आपने एक साइड पर रहने देना है और बनाने के बाद आपने इसको इधर लगा देना है। लगाने के बाद आपने इसी तरह सी डी की कमांड ले लेनी है और इधर से जो भी डिस्टेंस जिस जिस पॉइंट्स के आप लगाना चाहते हैं इसके ऊपर वो डिस्टेंस और एलिवेशन आप लगा दें, इधर टो पॉइंट का भी लगा दें और इधर से इसी तरीके से इस टो पॉइंट्स के एलिवेशन वगैरह आप लगाते जाएं। इधर से आपने क्यू की कमांड लेनी है और नीचे इसका एरिया ले लेना है, इसको एस साइड पे करना है और जिधर आपके पास टेम्पलेट बनी हुई है उधर आपने इसको बना देना है। उसके बाद आपने शिफ्ट सेव एज दोबारा करना है, सेव एज आप इधर से भी कर सकते हैं और इधर से कंट्रोल शिफ्ट और कीबोर्ड की मदद से एस प्रेस करेंगे तो ये सेव एज हो जाएगी। आपने इस सेक्शन को 0+100 हमारा आगे वाला सेक्शन है इसको आपने सेव एस करना है और इधर से आपने सबसे पहले ऊपर आना है और इधर से अपनी आरडी को चेंज करना है। आरडी को चेंज करने के बाद आपने इस सेगमेंट को टॉप वाले को दोबारा ख़त्म कर देना है उसी तरीके से जिस तरह हमने पीछे किया था और इनके एलिवेशंस वगैरह जो हमारे पास आ रहे हैं इसको हमने इधर से इनको सिलेक्ट करके ख़त्म कर देने हैं। ये हर क्रॉस सेक्शन के ऊपर आपने यही वर्किंग करनी है। आप इस तरह करते जाएंगे आपके सेक्शन इजीली और बहुत जल्दी जल्दी ये बनते जाएंगे सारे के सारे क्रॉस सेक्शन। तो इस सेक्शन को आपने बिल्कुल क्लियर कर देना है, इसके ऊपर ये जो एरियाज वगैरह लगे हैं इसको हमने सेव एज कर दिया। आगे आपने आ जाना है, आगे आपने जस्ट इसी तरीके से इस डेटे को आपने इधर से कॉपी करना है, सिलेक्ट कर लेना है, या आप इसको थोड़ा सा भी कर सकते हैं, सारा ज़रूरत नहीं है हमें। ऊपर से दो लाइंस को आप इधर से सिलेक्ट कर रहे हैं या एक लाइन को कर रहे हैं, नीचे वाले सेक्शन के ऊपर आ जाएं, इधर आपने इसको जस्ट पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने इधर से उसकी सेंटर लाइन जो हमारी जा रही है उसको आपने हाईलाइट कर लेना है, ये 92 नंबर के ऊपर जा रही है। तो आपने इधर से सबसे पहले ऊपर आपने इधर जिधर हमारे पास E52 लिखा हुआ है आपने इधर जस्ट 92 जो हमारे पास सेंटर लाइन आ रहा है आपने उसको इधर से इस वैल्यू को आपने इधर से चेंज कर देना है, 92 कर देना है। नीचे भी मैं आपको बता देता हूँ आपने इसको इधर इसी तरीके से 92 इसकी वैल्यूज को जिधर आपका डॉलर साइन का लाख लगा हुआ है आपने इसको इसे चेंज करना है। चेंज करेंगे तो ये नीचे आपके ये वाली लाइन्स आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, इंटर कर दें। उसके बाद आपने इसको इधर से पकड़ के और नीचे इधर सेंटर लाइन तक आप लगा दें। इसके बाद आपने एक लेवल नीचे लगाना है, इसको पेस्ट करना है और उसके साथ जो माइनस का साइन लगा हुआ है उसको आपने इधर से ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद आपने दोबारा इसको इधर नीचे तक इसको लगा देना है तो ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएंगे। बाकी ये सेगमेंट को आपने इसी तरीके से डबल क्लिक कर दें तो ये आपका ऑटोमेटिकली नीचे तक ये आपका प्लॉट हो जाएगा। तो आपने इसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स लाइन है आप इसको लगा दें। उसके बाद आपने इधर से पी लाइन इसके एनएसएल वाली लाइन आपने इधर से इसको कॉपी कर लेना है। अपना सेक्शन आपने अगला रेडी कर लिया था, आपने इधर से आना है, इसकी लेयर को सिलेक्ट करना है और इधर आपने जस्ट इधर पेस्ट कर देना है। एक्स्ट्रा लाइन को आपने इधर से ट्रिम कर देना है, ख़त्म कर देनी है जो भी आपके पास लाइन ज़्यादा जा रही हैं अपने सेक्शन के हिसाब से। उसके बाद आपने पी आर एल की लेनी है कमांड, उधर से आपने इसके कलर सेलेक्ट करके इसके डिस्टेंस और एलिवेशंस ये आपने इधर लगा देने हैं इसके ऊपर जो भी आ रहे होंगे। और उसके बाद आपने इसी तरीके से ऊपर डिज़ाइन सेक्शन के ऊपर आ जाना है और ये जो आपके पास हमारे पास आ रहा था डेटा इसको जस्ट आपने इधर से कॉपी करना है और इधर आपने इधर आने के बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है। इधर से आपने इस पॉली लाइन को इधर से कॉपी कर लेना है और कॉपी करते हुए अपने क्रॉस सेक्शन के ऊपर जाना है। ऊपर से आपने इसके एफ आर एल को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को इधर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे इसके बाद आपने इसके टू पॉइंट को इधर सबसे पहले आपने इसको एक्सटेंड कर देना है। उसके बाद आपने कॉपी की कमांड लेनी है, इस जो ब्लॉक आपके पास बना हुआ था उसको आपने इधर से इसके ऊपर पेस्ट कर देना है तो ये आपका डिज़ाइन स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसके कमांड के ज़रिए इसके एलिवेशन और डिस्टेंस
लगा दें इसके। इसी तरीके से ये मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ इसकी वर्किंग बता रहा हूँ कि ये वर्किंग आपने कैसे करनी है। उसके बाद आपने इसका इधर से लिप्स कमांड की मदद से एरिया निकाल लें। एरिया आप मैनुअल भी निकाल सकते हैं, बीओ इसकी शॉर्ट की है। बीओ आप लेंगे तो सबसे पहले आपने इसकी ये बाउंड्री को बना देना है, राइट क्लिक करना है, ये बाउंड्री हमारी बन जाएगी। इधर से आपने ए क्लिक करना है, ओ ऑब्जेक्ट के ऊपर जाना है और इधर से आप इसको क्लिक करेंगे तो नीचे एरिया हमारे पास 59.799 आ जाएगा, जो कि ऊपर हमारे पास आया हुआ है। दूसरे नंबर पे आपने इसको बनाने ब्लॉक बनाने के बाद भी आप बाउंड्री बनाने के बाद आप लिस्ट की कमांड के ज़रिए भी आप इसका एरिया इधर से चेक कर सकते हैं। तो 59.799 एरिया आ रहे हैं। तो ये इसी तरह आप इस सेक्शंस को आप बना सकते हैं। अपने टेम्पलेट वगैरह आपने लगा दे दिए हैं, एक ही सेक्शन बनाना है। उसके बाद आपने इसको इसी तरह सेव वैस करते जाना है। 0+150 वाला सेक्शन आ गया तो आपने 150 कर देना है और इधर से आपने इस आईडी को आपने चेंज कर देना है और ऊपर से आपने ये डिस्टेंस वगैरह जो टेम्पलेट वगैरह लगी हुई है इसको आपने इसी तरीके से इन सेक्शंस को सबको खाली कर देना। नीचे टेम्पलेट आपकी जस्ट इसके साथ लगी रहे, जो टेम्पलेट हमने मैंने आपको बनाई है टेम्पलेट आपकी बनी हुई होगी। आप इसके ऊपर इसकी वर्किंग इसी तरीके से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आप सेव एज करते जाएंगे आगे होता जाएगा। आपने ये फॉर्मेट को इसी तरीके से आप एक फॉर्मेट को इधर से कॉपी करें और इधर आपने नीचे इधर लगाते जाना है। इधर आपने पेस्ट कर दें उसको। पेस्ट करने के बाद जस्ट आपने इधर से आना है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऊपर वाला आ रहा होगा सिलेक्ट हुआ हुआ, आपने इसको प्लेस कर देना है और इधर से 134 नंबर जिधर आपने सेंटर लाइन को हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद जो हमारे पास 134 नंबर है ऊपर से जस्ट आपने इसके अंदर जिधर डॉलर साइन लगा हुआ है तो 134 नंबर आपने इधर साथ रिप्लेस कर देना है सिर्फ नंबर को। उसके बाकी फॉर्मेटिंग आपकी वही होगी जो कि आपके पास उधर लगी हुई है। तो आप ये इधर से चेंज करेंगे तो ये आपको सिलेक्ट नीचे हो जाएगा, आपने इसको इधर सेंटर कर देना है। इसी तरीके से आप इसको नीचे तक इधर सेंटर लाइन तक अपना लें और लाने के बाद आपने एक पॉइंट इधर नीचे लगाना है इसका और इधर से आपने माइनस का साइन इधर से इसका ख़त्म कर देना है और इसको इन पॉइंट्स को आपने डबल क्लिक करके और अपने जिधर तक आपका क्रॉस सेक्शन आ रहा है उधर तक आपने इसको लगा देना है। इसी तरीके से आप इसको भी डबल क्लिक करके और ये फॉर्मेट आप इधर बना दें। इसके बाद ये NSL आपकी जो पी लाइन आ रही है आप इसको इधर से कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आपने जस्ट इधर ऑटो कैड के ऊपर आना है और इसको आपने ऊपर से लेयर्स इसकी सबसे पहले सेलेक्ट कर लेनी है और जस्ट इधर से आपने इसको पेस्ट कर देना है। ये पूरा सेम टू सेम प्रोसेस इसी तरह होएगा सारा। आपने सारे क्रॉस सेक्शन को इसी तरह फाइनल करना है। तो ये ऊपर हमारे पास 150 वाला आ रहा है। आपने ये इसी सेक्शंस को जो आपके बने हुए होंगे आपने इन सेक्शंस को आप डेटा को बना के और इधर पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप इस सेगमेंट को ये जो आपका डेटा है सारा इसको आप एक दफ़ा कंप्लीट कर लें। कंप्लीट करने के बाद आपने पी लाइन को जैसे कॉपी करनी है उसको ड्रॉप कर देना है और इधर से आपने डिज़ाइन लाइन की पी लाइन को कॉपी करना है और उधर लगा देना है क्रॉस सेक्शन के ऊपर और इधर से आपके पास जो टेम्पलेट वगैरह आपकी डिज़ाइन की बनी हुई है वो आपने इनके ऊपर लगा देना है। इनके एरिया निकालते जाना है, काट है तो काटा जाएगा, फिल है तो ये फिल बन जाएंगे आपके सेक्शन। तो आपने इसी तरीके से ये इन जैसे इसके जो डेटा हमने बनाया है इसको आपने कॉपी करते जाना है, नीचे इधर आपने पेस्ट करते जाना है। सबसे पहले आप इस सारे सेक्शंस के ऊपर आप इनके एक एक दो दो जो एलिवेशंस आपके पास लेंस हैं उनको आप इधर से पेस्ट कर दें ताकि ये पेस्ट वाला मसला आपका एक दफ़ा क्लियर हो जाए। इसी तरह मैक्सिमम डेटा आपका इधर से टाइम भी बच जाएगा और आपका काम भी इजी हो जाएगा इसके अंदर। तो आपने इसी तरीके से इस डेटा को पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद आपने इधर से जस्ट जो उसकी सेंटर लाइंस हैं उनको आपने चेंज करना है और माइनस के साइन को आपने इधर से चेंज करना है। तो आपने इधर आ जाना है, इधर से आपने सेंटर लाइन जो हमारे पास जा रही है वो 180 नंबर के ऊपर जा रही है। आपने इधर आना है, इसको आपने इधर से 180 कर देना है, उसको 134 को 180 और इस 134 को भी आपने इधर से जस्ट 180 कर देना है और इधर से इसी तरीके से नीचे वाले के ऊपर भी आपने इधर से इसके ऊपर 180 और इधर से 180 आपने इधर से कर देना है। और करने के बाद आपने इस लाइन को सिलेक्ट करनी है, डबल क्लिक कर देना है और जो सेंटर लाइन से आगे वाला पॉइंट जा रहा है इसके ऊपर आपने इसी तरीके से माइनस साइन को आपने हटाना है और इधर से आपने जस्ट इसको एंड तक कॉपी कर देना है। इसी तरीके से नीचे आपने लगा दी थी 134 आ रहा था, इधर हमारे पास 214 हमारे पास सेंटर लाइन है तो आपने इधर से 214 आपने इधर से इसकी वैल्यू को चेंज कर देना है 214 और ये वैल्यू हमारे पास 214 ये इधर से आपने इस तरीके से इस वैल्यूज को चेंज करना है और इसको डबल क्लिक कर देना है और इसके बाद सेंटर लाइन से आगे आ जाना है और इधर से आपने इसके माइनस के साइन को इधर से चेंज कर देना है और इस डेटा को आपने नीचे तक कर देना है। सारा डेटा आपका
अपडेट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट के ऊपर आ जाएंगे, 1249 हमारे पास सेंटर लाइन है, आपने जैसे 249 आपने इसको कर देना है, और इधर से भी इस डेट को भी आपने जैसे 249 आपने करना है। करने के बाद आपने इस लाइन को इसी सिलेक्ट करें और इधर से इसको कापी कर दें, और आगे आने के बाद जैसे आपकी माइनस साइन है इसको जैसे आपने ख़त्म करना है, और डबल क्लिक आप इसको कर दें तो ये डेटा आपका ऑटोमेटिकली इधर से सारा का सारा चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 285 के ऊपर है, तो इधर से आपने इसके ऊपर 134 को रिप्लेस कर देना है 285, और इधर से आपने इसी तरीके से ख़त्म करके और 285 आपने कर देना है, और इस डेटे को आपने नीचे तक कॉपी कर देना है। तो ये पूरा फॉर्मेट मेरे ख्याल में आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इससे पहले मैंने इसके ऊपर एक दो वीडियोस बनाई थी, जिस जो कि मैंने सिंगल सेक्शन के ऊपर बनाई थी, तो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा था कि ये इसमें उनको समझ नहीं आ रही, तो ये इसलिए मैंने ये पूरा क्रॉस सेक्शन आपको मैं बना के दे रहा हूँ इसी हिसाब में। तो आपने इसको इसी सेक्शंस को पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको बताया कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। आप पूरे क्रॉस सेक्शंस को डेटा फॉर्मेट को आपने इसी तरीके से चेंज नहीं करना है, ये फिक्स हो नहीं सकता जिस तरह मैंने बाकी चीज़ें बनाई हुई है, क्योंकि जो एनएसएस के डेटाज वगैरह होते हैं वो हर प्रोजेक्ट के अलग अलग होते हैं, किसी की लेंथ ज़्यादा होती है, किसी की लेंथ कम होती है। मैंने इसके अंदर मैक्सिमम डेटा के हिसाब से ये लेंथ बनाई है, आपके पास जो खाली जगह रहेगी आप उसको छोड़ दें, क्योंकि डेटा कम या ज़्यादा प्रोजेक्ट के हिसाब से होता रहता है। तो आपने ये फॉर्मेट को इसी तरीके से एंड तक कम्प्लीट कर लेना है, सारा पूरा फॉर्मेट ये मैं कम्प्लीट हुआ फॉर्मेट मैं आपको इधर रख दूंगा इधर सेक्शंस के ऊपर, आपने इधर से इसको कॉपी कर लेना है। इसी तरीके से आपने इधर से आरडी वाले सेक्शन को भी आपने इधर से कॉपी करते जाना है। इसके अंदर आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट आपने इधर से इसको पेस्ट करते जाना है। आप पेस्ट करते जाएंगे तो ये आपका डेटा ऑटोमेटिकली इधर से सारा अपडेट होता जाएगा। तो ये क्रॉस सेक्शन आपने सारे इसी तरीके से इसको बनाने हैं, और उसकी वर्किंग आपने सेम टू सेम इसी तरीके से करनी है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो आप ये सारा अपना सेक्शन आपने सारे कंप्लीट कर लें, उसका डेटे को आप कंप्लीट कर लें। इधर डेटे को कंप्लीट करने के बाद एक ही दफ़ा अपने ऑटो कैड के ऊपर आ जाएं, इधर से आप अपनी टेम्पलेट वगैरह जो आपने लगानी है एक सेक्शन को फाइनल करके टेम्पलेट लगा दें, और उसके बाद आप सेव एज करते जाएं सेक्शंस को। ये सेक्शन आपके बहुत जल्दी ये बन जाएंगे, ये 2-3 किलोमीटर के क्रॉस सेक्शन हैं, 50-50 मीटर के 52 सेक्शन हैं। तो ये आप एक मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये पूरे क्रॉस सेक्शंस को आप बना सकते हैं एक्स वाई जेड डेटे के हिसाब से। जस्ट इसके अंदर आपको मैंने पूरी वर्किंग बताई है कि आप कैसे करेंगे, दोनों तरीक़ेकार मैंने आपको डेटे के बताए हैं, कैलकुलेशन शीट के ऊपर मैंने आपको सारा बताया है। स्टार्ट से लेकर एंड तक आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, देखा कीजिए, एंड तक देखा कीजिए। आप बाद में मुझसे व्हाट्सअप करते हैं या मुझे कमेंट्स करते हैं, तो जाहिर बात है आपके माइंड के हिसाब से मैं आपको मौके के ऊपर फौरी जवाब नहीं दे सकता, मेरी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा होती हैं तो मैं उसके हिसाब से आपको जवाब देता हूँ। उससे बेहतर होगा मैं जितनी इतनी डिटेल्स में वीडियो बनाता हूँ, मेरी वीडियो 1 से 1.5 से 2 घंटे की भी होती है, 3 घंटे की मेरी वीडियोज़ हैं। आप वीडियो को बेशक आराम सुकून के साथ देखें, देखने के बाद आप एक ही दफ़ा कोई बंदा काम को नहीं सीखता है, उसके लिए उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 2 दफ़ा आप करेंगे, 3 दफ़ा करेंगे, 4 दफ़ा करेंगे तो आपका जहन रवां हो जाएगा इन चीज़ों के हिसाब से। और ये चीज़ें जो अभी मैं आपको बना के दे रहा हूँ तो ये आप खुद ब खुद बनाएंगे। इसमें आप ये देखें, मैं शीट सारी मैंने ओपन छोड़ी हुई होती है, पूरी शीट मेरी ओपन होती है। आप इसको सेव एज करें, सेव एज करने के बाद इसके साथ फुल छेड़छाड़ करें, आप फुल इसको अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस शीट को हमने कैसे बनाना है। आप ये चेक करें कि आपको ये नहीं है कि आपको मैंने डेटा प्रोवाइड कर दिया, आप उसके ऊपर शुरू हो गए उसके हिसाब से बस के लकीर का फ़कीर बन के। तो आप अपने काम को, आप अपने जहन को थोड़ा सी वसत दें, आप इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत किया करें, ये आपको फील्ड के अंदर बहुत मददगार होगी। जितना आप एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा, आप काम के ऊपर आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, तो ये चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। ये चीज़ें बजाय कि आप किसी से मांगें, तो ये आपको इन चीज़ों के ऊपर खुद कफील होना चाहिए, खुद ये चीज़ें आप बना सकें। तो आप मेरे जो वीडियो को, सारी वीडियोस को देखें, मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूँगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह।